मतलब ये रखा था, बहुत सारे लोग मेरे को हर रोज पूछते रहते हैं जे दादा इस स्टॉक का क्या है, वो स्टॉक का क्या है। एक्चुअली हर बार हर चीज का मतलब आंसर देना पॉसिबल नहीं होता है, मेरे को पर्सनली बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं और सही में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है उतना लिखने का। तो मैं सिर्फ इतना ही बोल देता हूँ कि इसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ या तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई चीज देखो जिस स्टॉक के बारे में मेरे को पता नहीं है उसमें क्या है, कुछ बोलने से ऐसा ही मैं वो बिलीव नहीं करता हूँ, सिर्फ चार्ट देख के कुछ बोल दूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत डेटा भी देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो उसलिए मैं बोल देता हूँ जो फॉलो नहीं कर रहा हूँ मैं, समझा ना, ये रीजन होता है मेरा। ऐसा नहीं है कोई उसका आंसर नहीं देना है या तो कुछ नहीं देना है, लेकिन जिसके बारे में मेरे को पता नहीं है उसको नहीं बोलना सही होता है, सही है ना। सही है। हाँ, तो उसलिए क्या होता है, मैंने एक क्लास आज के इसलिए रखा। दूसरा जैसे सब लोग पूछ रहा है, जैसे निफ्टी का मेरा अपडेट आप लोगों को दो देता हूँ, जितना दिया मतलब सारे के सारे लगभग सही आया ना। हाँ सर, कैसे रहता है हमारा निफ्टी का अपडेट, थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए, बात कीजिए, नहीं तो क्लास जी सर कट सही है, जाएगा। सब कुछ सही है। हाँ, तो क्या होता है देखो, बात ये नहीं है मेरे को पता नहीं था सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोग क्या होते इसमें देखो, मैं मार्केट का लोग क्या होता है देखना, कितने सारे नेगेटिव आदमी आ जाता है इसमें, वो लोग क्यों सही है, इतना वो करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ना मार्केट का बहुत दूर का जो होता है ना वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट ईयर अगस्ट में ही आप लोगों को पता है मैं इलियट वेब के ऊपर वीडियो बना के दे दिया था आप लोगों को, जो ठीक करेक्शन है आने सर, वाला है, तब मार्केट शायद 15,500 के आसपास था लास्ट ईयर अगस्त में, और मैं उस वीडियो में क्लियर कट बोला था जो 18 से 19 हजार के बीच में से करेक्शन आएगा जो 14,200 तक आ सकता है, ठीक है, 15,000 के नीचे आएगा, ये सब मैं बताया था। तो लेकिन क्या है, मैंने बीच में लगा शायद 15,000 ब्रेक नहीं करेगा, तो मैंने उसने वो भी अपडेट कर दिया था, शायद 15,000 ब्रेक नहीं सही है करेगा। सब सब वीडियो देखा है सर, हाँ, आपने बताया सब कुछ क्योंकि सर। देखो वो तो क्या होता है एक एजम्पशन होता है शायद इतना तक जा सकता है, लेकिन देखो मेरा करेक्शन जिधर से आएगा मैं बताया था एग्जैक्टली उधर से ही आया, तब तो सारे लोगों ने 21,000 25,000 का टारगेट दे रहा था, लेकिन मैंने क्लियरली बोला था इस जगह से एक करेक्शन आएगा और वो करेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा मूव वेट कर रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद नेक्स्ट 2 से 3 साल में हम लोग 34,000 भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे मतलब क्या है, मैं कभी प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन ईडब्ल्यू के हिसाब से 34,000 भी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में जा सकते हैं, और अल्टीमेटली 2030-32 तक शायद आपका मतलब 50,000 भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे क्या फंडामेंटल रीजन क्या है, बहुत सारे फंडामेंटल रीजन है उसके पीछे, आप बताओगे जी हवा पे बात कर रहे हैं वैसा नहीं है, क्योंकि आप अगर इंडिया में देखोगे ना बाकी कंट्री का उसमें इंडिया जो ये नेक्स्ट मतलब जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से 30-32 तक 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी सही बात क्या है, अभी जैसे आज चाइना इतना ग्रो क्यों किया पता है आप लोगों को, क्योंकि चाइना इतना ग्रो क्यों किया, रशिया को उस टाइम काउंटर करने के लिए अमेरिका को किसी को ग्रो करना चाहिए था, ग्रो कराना था, ठीक है। तो उस टाइम क्या था, उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारे फायदा दिया गया था। हाँ, तो उसलिए मतलब चाइना का इकोनॉमी एक टाइम 90 मतलब 85-86 में जो था उससे अभी 11-12 टाइम्स है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, क्लियर कट अमेरिका ने हेल्प किया था उस टाइम आपको, तो उसी फायदा अभी चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है अभी, ठीक है। और दूसरी बात है, ट्रीटमेंट मिले वो तो एक बात है, दूसरा मतलब जो ग्रोथ रेट अभी आ रहा है इससे भी बढ़ेगा, और मतलब मिनिमम 2030-32 तक 10 ट्रिलियन डॉलर का, 10 ट्रिलियन डॉलर होगा तो इंडस्ट्री ग्रोथ एक्सपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग बढ़ेगा, और जो चीजें है ना हमारा मतलब जो भी ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा उसके हिसाब से, तो उसके लिए ये जो लोग सोचता है जो अगर इंडिया 10-12 ट्रिलियन डॉलर का होगा तो मार्केट भी निफ्टी भी 50,000 में जाएगा, उसे कुछ नहीं जे
तो ये है रीजन। दूसरा, इंडियंस का जो है अभी से 4-5% मनी सेफ स्टॉक मार्केट में है, ये आप लोगों को सबको पता है। जो बिल्कुल इंडिया, एक मिनट, इंडियंस का मैक्सिमम पैसा जो है आपका उधर पड़ा है, आपको क्या कहते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है। तो लेकिन आज के दिन में सेविंग्स में भी इतना कम हो गया, फिक्स डिपोजिट में भी बहुत बड़ा अमाउंट का मनी पड़ा है, तो सब कुछ में इतना कम हो गया, तो लोग धीरे धीरे मतलब मार्केट के म्यूचुअल फंड में ज्यादा वो कर रहे, पेनिट्रेट कर रहे। अभी म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो ये क्या होता है, मार्केट के तरह ही पेनिट्रेट कर रहा होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी क्या होता है, इनडायरेक्टली मार्केट का होता है आपका। आज के दादा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आज पीएम मोदी ने एमपी में जाके एक भाषण दिया था, मैंने उसका क्लिप शेयर किया मैंने। हाँ, तो उसमें ये था कि 2014 में एवीएम था करीब 10 लाख करोड़, आज 2022 में करीब, नहीं यो वीडियो देखो एक ग्रुप पे मैंने शेयर किया। जी जी जी, तो 10 लाख करोड़ से 35 लाख करोड़ हो गया। देखो, मैं कैंप्स भर के लेके बैठा हूँ। अच्छा, कैंप्स मैंने बहुत दबा के लेके बैठा हूँ कैंप्स, उसका रीजन यही है। क्योंकि ये करेक्शन में मैंने बहुत कैंप्स उठाया, क्योंकि क्यों उठाया आपको वो जानना पड़ेगा, कैंप्स क्या काम करता है, किसी को पता है कैंप्स का क्या बिजनेस है? कैंप्स का बेसिकली वो तो म्यूचुअल फंड का वो है ना, एक ऐसा ब्रोकर है, रिपोजिटरी ना। एक्चुअली क्या होता है, जैसे बड़ा बड़ा कंपनी को, कंपनी का जैसे देखा ना, जैसे एक क्या कहते हैं, सेक्रेटरी रहता है। हाँ, तो कैंप्स वर्क्स एज ए सेक्रेटरी ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो उसका क्या होता है, सारे जो उसका अकाउंटिंग ईच एंड एवरीथिंग कैंप्स के पास रहता है, इसमें कैंप्स का ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर है। बिल्कुल है। अभी म्यूचुअल फंड बढ़ेगा, अभी क्या होता है, देखो शायद 75% है, बाकी कर्बी के पास है, और सिर्फ फंडलिंग का जो टेम्पटेशन म्यूचुअल फंड है ना, उसका अपना सिस्टम है। बाकी इंडिया में कोई म्यूचुअल फंड का डेटा मैनेजमेंट का अपना सिस्टम नहीं है, सब कैंप्स का डेटा में ही मैनेज होता है। अभी कैंप्स को क्या मिलता है, जितना बड़ा फंड वो मैनेज करते हैं उसके हिसाब से एक परसेंटेज कैंप्स को मिलता है। तो अभी म्यूचुअल फंड बड़ा होगा तो किसको बेनिफिट मिलेगा? कैंप्स को मिलेगा। कैंप्स को सीधा सीधा बेनिफिट मिलेगा, कोई भी म्यूचुअल फंड में आप पैसा रखो, वो तो बेनिफिट तो कैंप्स को ही मिलेगा। एग्रीड। तो अभी जो क्या है, देखो अभी अभी लोगों को क्या है, एक दिन 5 टका का पोर्टफोलियो गिर गया, वो लेके पैनिक करके कुछ भी बोलते रहते हैं। तो मतलब हम लोगों को देखो, मेरे को क्या होता है, मेरा पोर्टफोलियो जो है कोविड के बाद से जो तैयार, कोविड के टाइम पे लगभग सब निकल लिया था, ठीक है। तो कोविड के बाद से जो रिकंस्ट्रक्शन किया था उसके 70-80% के ऊपर रिटर्न मिला था, तो उसके बाद अभी उससे 25-30% नीचे आया तो क्या फर्क पड़ता है मेरे को? अभी लोग वही लेके करते हैं 25 टका ऊपर से, अरे तुम सही जगह पे तो आपको एंट्री करना पड़ेगा ना, करेक्शन के टाइम पे आप अगर होल्ड नहीं कर सकते हो तो आपको ये जो बाउंस मिला, कितना लोगों को बाउंस का फायदा मिला? 5% लोगों को, किसी को नहीं मिला बाउंस का फायदा ना, जो पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठा था उसको ही फायदा मिला। इवन जो मेरा, आप लोग मेरे को पता है, बहुत सारे लोग इधर स्टूडेंट भी मेरा ज्वाइन किया, मैं ग्रुप पे दिया था ना, मेरे को जिस दिन 7900 आया था स्मॉल कैप इंडेक्स, उस दिन मैंने इनफैक्ट बाय किया। जो मेरा स्टूडेंट ग्रुप पे है उन लोगों को पता है, सही है ना? मैं बाइंग का स्क्रीनशॉट भी दिया था उस जगह पे, मैं मेरा सारे अकाउंट में उस दिन बाय किया था, इसलिए किया था जो होगा देखेंगे मार्केट। मेरे को देखो स्मॉल कैप इंडेक्स 12000 से 7900, तो ऑलमोस्ट 30% के ऊपर करेक्शन हो गया, उससे ज्यादा कितना होगा, 10% होगा। वो मेरा क्या आया था, मेरे को पता नहीं था उस जगह से वापस आएगा, लेकिन वो मेरा कैलकुलेटिव रिस्क था। जी देखो, आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म में करना है तो आपको पैनिक को यूज करना पड़ेगा। लोग कब बह जाते हैं पता है, जिस दिन आपका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा ऊपर रहता है ना, उस दिन आप लोग बह जाते हो, उस दिन लोग बाय करना चालू करते हैं। लेकिन उस दिन आपको सावधान होना चाहिए, जब पोर्टफोलियो में 3-4
परसेंट रिटर्न मिल रहे, मतलब कुछ खराब कुछ आने वाला है। और जिस दिन आपको पोर्टफोलियो 4-5% ब्लीड करेगा उस दिन आपको लेने का टाइम है। मैंने एग्जैक्टली यही चीज उस दिन किया था और मैंने मेरा स्टूडेंट ग्रुप पे सब में स्क्रीनशॉट दिया था जे मेरे को मैंने इस दिन बाय किया। अच्छा इनमें कोई ज्वाइन किया मेरा स्टूडेंट ग्रुप से? राजीव जी आप तो हो शायद। सर मैं बिल्कुल हूँ, बिल्कुल हूँ। आपने देखा होगा ना मैंने उस दिन दिया था। जी 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 जी। तो मतलब और क्लियर कट ग्रुप पे बोला था जी इस जगह से मेरे को लग रहा है एक बाउंस तो आएगा कम से कम। देखो अभी मैंने जो प्रॉमिस किया था जब मैं बताऊंगा कैसे मैंने कैलकुलेट किया ठीक है ये मतलब उस जगह से एक बाउंस तो आएगा। मैं वीडियो में भी बहुत बार बोला देखो क्या होता है ये जो मंथली चार्ट पे आपको जिस जगह पे डोजी दिखता है ना ये डोजी क्यों फॉर्म करते है कोई मेरे को बता सकता है? डोजी का फॉर्म करने का ये कि ये तो ब्रेकआउट टाइप का कि वो मतलब बायर सर मोर देन सेलर। आपका क्या नाम है सर? राजीव बोल रहा हूँ सर। अच्छा नहीं दूसरा कोई? हाँ सर मयूर भाई, मयूर कुकड़ी। अच्छा सर वो एनडीसीसी बाइंग होता है जनरली। बेयर्स एंड बुल्स टेकिंग आर नॉट एबल टू कंट्रोल द मार्केट दैट इज द रीजन इट इज शोइंग अ डोजी। वो क्या होता है इनडिसिसिव होता है सविता जी आप सही बोल रहे हैं इनडिसिसिव होता है क्योंकि इस जगह तक देखो एक बाइंग तो इस जगह तक लेकर आ गया ठीक है। हाँ तो आपका एक बाइंग इस जगह तक लेकर लेकिन इस जगह पे जो बाइंग इधर से लेकर आया था ना वो और पावरफुल नहीं ना उस जगह पे ठीक है। ये जो नीचे से बाइंग किया वो उतना कॉन्विक्शन उसका है नहीं ठीक है। उसको लग रहा है मार्केट बहुत बढ़ गया लेकिन वो सेल भी नहीं कर रहा है ठीक है। और बीआरएस मतलब वो सेल भी नहीं कर रहा है तो मतलब इस जगह पे बाइंग और सेलिंग का एक इक्वलिटी आ जाता है ठीक है। जब तक नया फंड नहीं आएगा नया कॉन्विक्शन वाला आदमी मार्केट में नहीं आएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है ठीक है। तो इस जगह से एक बड़ा कैंडल बना तो मतलब क्या हुआ आपका मार्केट में नया बायर्स आया नया कॉन्विक्शन के साथ ठीक है। देखो अभी इस लेवल पे आप देखोगे इस ये जो डोजी को जब फर्स्ट टाइम टच किया था ना जब फर्स्ट टाइम टच किया था इस जगह पे देखो एक बड़ा बाउंस मिला था 8200 तक ना। सही। तो आप सेकेंड टाइम जब टच किया तब बहुत दूर जा नहीं पाया वो ठीक है ना। तो अभी इस जगह पे देखो इस जगह पे क्यों मैंने 15,000 का ये लेवल बोला था क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे डोजी है तो इस जगह से फिर से एक नया बाइंग आया था ना। तो इस लेवल को देखो ये फर्स्ट टाइम टच करने आया था ये जो 15,200 का लेवल है ठीक है फर्स्ट टाइम टच करने आया था ये जो देखो ये डोजी का सब अपर जोन। तो मतलब जो भी बाइंग आ रहा था ना इधर आके सब खत्म हो रहा था सही है ना। तो बायर्स का कॉन्विक्शन इस जोन के ऊपर नहीं था तो देखो ये जोन को फर्स्ट टाइम में टच करने आया था तो उस जगह से एक बाउंस आएगा ही आएगा वो तो अभी। हाँ बाउंस हाँ अभी मैंने उस जगह से क्यों क्या बोला था मैं बोला था 16,100-16,200 शायद आएगा क्यों बोला था उसको उसका भी थोड़ा एक रीजन है। देखो मैं 1-to-1 आप लोगों को बता देता हूं आप लोगों को भी वो क्लियर हो जाएगा मैं कैसे वो बताया था। ये क्या होता है जब भी मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहता है ना कैसे पता चलता है 50 डेज का जो मूविंग एवरेज होता है ना उसके मतलब नीचे ट्रेड करता है जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है ठीक है। देखो लास्ट टाइम बाउंस कहा था हुआ था 50 डेज का मूविंग एवरेज तक सही है ना। इस जगह पे भी देखो एक बार ब्रेक करने के बाद बार बार रिटेस्ट किया लेकिन 50 डेज का मूविंग एवरेज तो 50 डेज का मूविंग एवरेज लगभग 16,200 तक आ रहा था उस टाइम ठीक है। तो मैंने उसलिए बोला देखो बाउंस अगर इस जगह से मैं अगर एक स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो और तो वो फर्स्ट टाइम वो जाएगा 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर तक जाता है मतलब उसके ऊपर जाके बाउंस करते या तो उसको टच करके बाउंस करते तो उसलिए मैंने बोला था 16,100 और बोला था बाद में जैसे जैसे आएगा वैसा फॉलो करके आपको अपडेट करते रह जाऊंगा जे मतलब
इसके बाद ये हो सकता है, इसके बाद वो हो सकता है, क्योंकि मार्केट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं उसलिए बोलता हूँ मार्केट अच्छा है फॉलो करो, प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता मार्केट, तो मैंने उसलिए फॉलो करता। दूसरा क्या था, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था जी 15,000 नहीं ब्रेक करेगा। क्यों नहीं ब्रेक करेगा? देखो मार्केट में ना कुछ चीज रूल होता है, आप अगर देखोगे इस जगह पे 5,000 का जो, अगर चलो मैं दिखाता हूँ क्या होता है, राउंड नंबर जो होता है ना 5,000, 10,000, 15,000, ये मार्केट का बहुत बड़ा चीज होता है। देखो 15,000 क्रॉस करने के पहले कितने महीने इस जगह पे कंसोलिडेट किया था? 4-5 महीने, 6 महीने। हाँ, क्योंकि ये जो राउंड नंबर होता है ना इस जगह पे भी आप देखोगे, देखो ये 5,000 का लेवल पे कितना दिन कंसोलिडेट किया, सही है ना? देखो इसके बाद जितना करेक्शन हुआ, ये देखो 5,000 का लेवल से बैक किया ना वो, देखो एक तो 5,000 के ऊपर जाने में इस जगह पे टाइम लगा रहा था, सही है ना? Yes. और उसके बाद जब जितना करेक्शन हो रहा था 5,000 के लेवल से सब एब्जॉर्ब हो रहा था ना, एम आई राइट सर? राइट राइट सर, राइट। अभी इस जगह पे आप देखो, इस जगह पे जितना करेक्शन हो रहा था लगभग 10,000 के लेवल पे एब्जॉर्ब हो रहा था ना। तो एक साल तक रहा, 1.5 साल तक रहा। हाँ, जब 10,000 ब्रेक किया तब एकदम से वो हो गया। तो इसमें भी अगर 15,000 ब्रेक करेगा ना तब कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं हो 14,200 में रोकेगा या नहीं रोकेगा। मैं उसलिए मेरा पोर्टफोलियो या तो कुछ भी सब कुछ के लिए मैं 15,000 कम से कम ब्रेक करने के लिए वेट कर रहा था, जे मेरे को और कन्फर्म था जी एक बार में तो, और वही हुआ। देखो अभी इस जगह पे ना 15,000 वैसा एक राउंड नंबर है, क्योंकि वो क्या होता है ह्यूमन साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी लगता है। चलो 18,500 में जो ट्रेड कर रहा था वो 15,000 में आ गया, तो 15,000 जब भी न्यूज में दिखाएगा ना, चलो 15,000 आ गया, लोग बाय करना चालू करेगा। फंड कोई भी साइकोलॉजिकल लेवल होता है, 10,000, 10,000, 15,000, अभी फिर से 20,000 आएगा एक साइकोलॉजिकल लेवल, समझे ना? क्योंकि और अभी मंथली चार्ट का कैंडल जिस हिसाब से बनाया, मार्केट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। ठीक है, अभी क्यों दिख रहा है? देखो अभी आप तो बोलोगे ये 50 डेज का मूविंग एवरेज बहुत बार क्रॉस किया, मैं बोलूंगा हाँ बहुत बार क्रॉस किया। देखो इस जगह पे एक बार क्रॉस किया था, ठीक है, लेकिन जब इस जगह पे क्रॉस किया था तब 50 डेज मूविंग एवरेज देखो 100 और 200 का दोनों के ऊपर था ना, ये 100 है ये 200 है, तो एक्चुअली ऑफिशियली उस टाइम करेक्शन चालू ही नहीं हुआ था। जब तक 50 डेज मतलब 50 डेज 200 डेज का नीचे नहीं आएगा, एक्चुअली ऑफिशियल करेक्शन चालू हुआ था इस जगह पे। देखो 50 डेज दोनों का नीचे आ गया, इस जगह पे 100 का नीचे आ गया, इस जगह पे 200 का नीचे आ गया था। ठीक है, अभी 50 डेज मूविंग एवरेज जब नीचे रहता है ना दोनों का, तब अगर 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हैं तब वो फर्स्ट साइन होता है ये मार्केट का करेक्शन ओवर होने का सिग्नल दे रहा है। तो इस जगह पे क्या हुआ, इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके ऐसे जैसे ग्रीन कैंडल है, मेरा कुछ ग्रुप्स है तो उस ग्रुप पे मैंने दे दिया था मेरे को, और इस ग्रुप पे भी दिया था ग्रुप वाला जो ग्रुप में आज क्लास हो रहा है जी, इस जगह पे देख के मेरे को लग रहा है 16,500। अभी 16,500 क्यों बोला था, देखो इस जगह पे आपका 100 डेज मूविंग एवरेज, अभी सेम पैटर्न बनाया, देखो 100 डेज को क्रॉस किया, उसके बाद उसको रिटेस्ट किया, जैसे ग्रीन कैंडल बना उस दिन आधा बना था, मैं सुबह ही अपडेट दे दिया था जी इस जगह पे क्रॉस होगा तो 17,000 आ रहा है। देखो 17,000 क्यों था, जब तक 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है ना तब तक करेक्शन ओवर नहीं होता है, सिर्फ क्रॉस नहीं उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए 1 वीक। अभी नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर 2-3 दिन सस्टेन कर गया तो ऑफिशियली ये करेक्शन, और मेरे को लग रहा है ओवर भी होगा, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज को इतना स्ट्रांगली उसने क्रॉस किया, ये मतलब अमेजिंग है इतना स्ट्रेंथ के साथ क्रॉस किया। ठीक है, तो मेरे को अभी इस वीक क्या होगा ये कहां पर भी जाए, अभी मेरे को जो लगता है इस जगह पे आएगा 17,400 के आसपास, उसके बाद फिर से इसको एक बार रिटेस्ट करेगा। ठीक है, मेरे को लगता है वो हमारे लिए लास्ट चांस होगा एंट्री करने का। लेकिन देखो मार्केट में अभी कुछ भी हो सकता है, अभी उसके बाद फिर से नीचे सस्टेन कर गया तो मेरे को लगता है उस टाइम हम लोगों को थोड़ा बहुत हल्का हो जाना चाहिए, अगर इसके नीचे सस्टेन किया तो। लेकिन जिस ट्रेंड के हिसाब से ये क्रॉस किया, देखो 50 डेज का मूविंग एवरेज को जब क्रॉस किया था उतना स्ट्रेंथ नहीं था, लेकिन उसको रिटेस्ट करके जब वापस गया बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ था, जब 100 डेज को क्रॉस किया और भी ज्यादा स्ट्रेंथ था, अभी 200 डे को जितना जितना मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहे हैं ना स्ट्रेंथ उतना बढ़ते जा रहा है इसका,
ये बहुत ही अच्छा साइन है। और मंथली चार्ट पे आप देखोगे, देखो इस जगह पे एक क्लियर कट रेजिस्टेंस था। मंथली चार्ट देखो कितनी बार एक कैंडल इसके नीचे आ नहीं पाया, ये वाला नहीं आ पाया, ये वाला इधर से वापस गया, तो 8-9 महीने का एक कंसोलिडेशन था। तो इसको इतना आसानी से क्रॉस किया जो मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ है। और अभी क्या है, आप लास्ट टू लास्ट वीक भी देखोगे एफआईआई का नेट बाइंग था लास्ट वीक, इस वीक भी एफआईआई के साइड नेट बाइंग साइड ज्यादा है ना, था पॉजिटिव था सर, प्लस में ही था। हाँ, क्योंकि 3 दिन शायद प्लस है, 2 दिन माइनस है शायद। आप पहले क्या था कि एफआईआई सेल कर रहे थे, अब एफआईआई बाय कर रहे हो, डीआई सेल कर रहा है। पर उतना एफआईआई ने सेलिंग किया उस दिन भी उतना सेलिंग नहीं था, शायद 1,000 करोड़ के आसपास ही था। लेकिन शायद थर्सडे तो दोनों बाय किया। हाँ जी 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 बिल्कुल। और कल भी मतलब डीआई जो सेल किया शायद बहुत नेग्लिजिबल होगा, 100 करोड़ से भी लेस है। हाँ वैसे ही मतलब बहुत नेग्लिजिबल था कल का जो सेलिंग। तो अब लेकिन एफआईआई ने सिग्निफिकेंट 1,000 करोड़ का बाय किया, 1,000 करोड़ का शायद। तो अभी इंडिया के लिए ना एक ही चीज कॉन्सर्न है जो, और इस गवर्नमेंट ने ना उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। मैं देखो कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन इस गवर्नमेंट देखो खराब तो सब है, लेकिन जो कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे को इस गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है सब कुछ है, इंडिया का एक ही चीज कॉन्सर्न है इंडिया का ग्रोथ के लिए, वो है क्रूड। तो क्रूड के जैसे जैसे प्राइस गिरते जाएगा ना, अपने आप एफआईआई बाई करेगा, वैसा कुछ नहीं। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो किया ना, जो 20% इथेनॉल ब्लेंड करना, ये सब जो प्रोजेक्ट लिया ना, ये अमेजिंग है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोजेक्ट लेना, आज चाइना में कितने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और इंडियन गवर्नमेंट सो रहा था। इवन हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे कैसे, चार्जर नहीं है ना, चार्जिंग कहाँ पे करेंगे। जैसे चाइना में करोड़ों चार्जिंग स्टेशन है, हमारे पास चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। Right, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे कंपनी को सब्सिडी दे रहा है, जैसे टाटा पावर, ठीक है, टाटा पावर अभी लीडिंग कंपनी है जो चार्जिंग स्टेशन के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। उससे बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, होम चार्जर या तो चार्जिंग स्टेशन बनाना, सारे पेट्रोल पंप के साथ जैसे HPCL BPCL सबके साथ कोलाबोरेशन कर लिया उसने, जो मतलब उसका जो पेट्रोल पंप है उधर चार्जिंग स्टेशन बनाएगा या तो नया चार्जिंग स्टेशन बनाएगा, तो 1-2 साल के अंदर पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और दूसरा जो मिथानॉल जो अभी ब्लेंड हो रहा है, मिथानॉल या इथानॉल, जो मतलब इसके ऊपर हम लोग कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वोट बैंक इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि शुगर क्या होता है, यूपी मतलब हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा वोट है, ठीक है, और सबसे ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, गन्ने का खेती, शुगर केन का खेती उधर ही होता है। तो उसके ऊपर आप कोई पॉलिसी लेकर आओगे तो डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है वोट बैंक पे। तो लेकिन शुगर क्या होता है, हमारा जो कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है ना शुगर का, 350 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होता है पर ईयर, और हमारा इंटरनल जो यूज है उसके लिए 250 मेट्रिक टन के आसपास मतलब यूज होता है, 250 to 260, ठीक है। तो आपका जो अभी क्या होता है, 100 से 90 मेट्रिक टन का एक्स्ट्रा होता है हम लोगों शुगर, अभी उसका क्या होता है, वो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारा इंडियन मार्केट से शुगर का रेट कम है। अभी देखो अभी कोई तो कोई शुगर जो कंपनी बना रहे है वो तो कम भाव रेट पे थोड़ा एक्सपोर्ट करेगा, कोई करेगा कोई कम रेट पे, तो अभी एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ता था। ओके, बिकॉज ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन। हाँ, शुगर का कंपनी कब देखना, जब गवर्नमेंट बोलता है ना शुगर के ऊपर, अभी शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी नहीं उठा रहा हो, तब क्या होता है देखना, शुगर का कंपनी सब करेक्शन होने लग जाता है। तो ये रीजन है, सब्सिडी देके एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा है ना उसको मिथेनॉल में कन्वर्ट कर दो। दूसरा बात क्या होता है, शुगर कंपनी बहुत गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, मैं एक ही रीजन है जिसके वजह से थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ, उसमें क्या होता है गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। क्या होता है, जैसे सोचो आपका इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, शुगर का सोचो रेट बढ़ रहा है, तब क्या करते हैं गवर्नमेंट शुगर कंपनी को बोलता है तुम प्रोडक्शन बढ़ा दो, समझे ना, और जब रेट कम हो जाता है तब शुगर कंपनी को बोलता है प्रोडक्शन कम करो। तो मतलब हमेशा कोटा सिस्टम पे चलता है शुगर कंपनी। तो उसको okay. लिए उसको एक्सेस मतलब हमेशा एक्सेस कैपेसिटी रखना पड़ता है शुगर कंपनी को। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रहा है
कोई शुगर कंपनी उसका शुगर का जो कैपेसिटी है ना, जिसका कोटा से मिल रहा है, समझो कोटा से सोचो, उसको कोई कंपनी को 20 मेट्रिक टन का मिल रहा है। प्लीज बात मत कीजिए, बात करना है तो प्लीज म्यूट करके बात कीजिए प्लीज। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट करने के लिए। तो अभी जैसे शुगर कंपनी का क्या है, जैसे कोई कंपनी का सोचो कोई महीने में 1 लाख मेट्रिक टन का कोटा मिल रहा है, तो उसने उस कोटा से 1 लाख मेट्रिक टन से चलो 20% कोटा उसने छोड़ दिया, तो जितना कोटा छोड़ता है वो कोटा के ऊपर उसको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलता है, क्योंकि वो कोटा उसने इथेनॉल प्रोडक्शन में, देखो इथेनॉल दो तरह से बन सकते हैं, या तो मतलब शुगर से डायरेक्ट जो शुगर बनते हैं ना उसका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहता है, लेकिन उसके परसेंटेज बहुत कम होता है। दूसरा जो है शुगर केन का जो जूस होता है उससे डायरेक्ट बन सकता है, समझे ना। तो अभी जूस से अगर डायरेक्ट बनेगा तो उसको शुगर कैपेसिटी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अभी वो कैपेसिटी सेक्रीफाइस करेगा तो उसको इंसेंटिव मिलता है, वो इंसेंटिव कुछ दिन पहले डबल किया, तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत एग्रेसिव स्टेप लिया, पहले तो 2030 तक 20% मतलब इथेनॉल करेगा ऐसा बताया था, अभी तो 2025 तक टारगेट दे दिया, 2026 में रिवाइज करके किया, ये 20% करना ही है पेट्रोल में। तो ये जो टारगेट ले रहे, देखो 20% करेगा तो ये बहुत बड़ा मतलब वो है गवर्नमेंट के लिए, बहुत बड़ा जो बाहर से मतलब क्रूड आ रहे उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कम होगा, और उसके साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का कम होगा, तो ये सब क्या होता है जीडीपी ग्रोथ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा ये चीज। और दूसरा शुगर कंपनी इसलिए लेना चाहिए ये करेक्शन पे, क्योंकि देखो इथेनॉल अभी शुगर कंपनी का जो हमेशा से प्रॉब्लम है कोटा डिपेंडेंट, वो क्योंकि वो अभी कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी रखेगा ही नहीं, वो तो वो कैपेसिटी इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि उसको उस जगह से सब्सिडी मिलेगा, उसको मतलब इंसेंटिव मिल रहा है जो कुछ दिन पहले डबल कर दिया, समझा ना। तो आप लोगों को एक क्लियर हो गया ना, ये निफ्टी क्यू 15,000 का उस जगह से मैंने बताया था क्लियर कट, जे मतलब कैसे 16,200 का क्यों टारगेट लिया था, 16,200 के बाद 16,500 का कैसे टारगेट दिया था, और 16,500 क्रॉस करने के बाद उस दिन ग्रुप पे क्लियर कट लिखा था 550 के ऊपर अगर 1 घंटा स्टे कर गया तो मेरे को 17,000 दिख रहा है, और देखो उसका 2-3 दिन में आ गया ना जी, तो ये है रीजन, इसके पीछे कोई मतलब रॉकेट साइंस है नहीं, देखो क्लियर कट दिख ही रहा है ना जो चीज दिख रहा है वही मैंने बोला, इसमें मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं किया, जस्ट फॉलो किया था। देखो इसमें क्या होता है, जब मार्केट करेक्शन होगा तब थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो में इफेक्ट आएगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वो तो आप लेकिन उस टाइम पे पकड़ के नहीं बैठोगे ना, ये बाउंस कैसे लोगे आप, बाउंस तो देखो उसमें क्या होता है लोगों को, लोग ऊपर देखो अभी इस जगह पे मेरे को थोड़ा ही पता था मार्केट नीचे आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे स्टॉक मैंने खरीदा इस जगह पे, मैं क्या करूं मेरे को तो पता नहीं है, क्योंकि तीनों उसके ऊपर दिख रहे हैं, तो अभी उसमें तो माइनस दिखेगा ही, लेकिन वो अगर मैंने पैनिक में इस जगह पे निकल जाता था ठीक है, चलो अभी क्या होता है करेक्शन होकर फिर से बाउंस मिला तो इस जगह पे मेरे को लगभग बाइंग प्राइस के आसपास आ गया, अभी सोचो मैं इस जगह पे पैनिक में बेच देता था लॉस में, अभी फिर से ऊपर खरीदता था, यही चलते रहता है मार्केट में। लेकिन मार्केट में मेन चीज है आपको कॉन्विक्शन लेकर आना पड़ेगा जो भी स्टॉक में आप एंट्री कर रहे हो, क्योंकि इंडिया जो है तो मेरे को जो देखो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मेरा जो बिलीव है 2030-32 तक इंडिया बहुत बड़ा इकोनॉमी बन सकता है, और उसके लिए अमेरिका भी हेल्प कर रहा है अभी, क्योंकि चाइना का अगेंस्ट में किसी ना किसी को खड़ा करना ही है उसको, जैसे एक टाइम चाइना को रशिया के अगेंस्ट में खड़ा किया था उसने, बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट किया था, सब कुछ किया था, अभी इंडिया को वो सपोर्ट मिलने वाला है और उसलिए अभी चाइना प्लस वन वर्ल्ड के वो कॉन्सेप्ट आ रहा है। और दूसरा जो फैक्टर्स है ना वो क्या फैक्टर्स है, अभी इंडिया का सबसे बड़ा जो फैक्टर्स है वो है यूथ पॉपुलेशन, इंडिया का एवरेज जो एज है वो पूरा मतलब बहुत ही कम है, एक्चुअल डेटा तो मेरे को पता नहीं शायद, लेकिन 40-50-60% पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है। अभी चाइना के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसके पास अभी यूथ कम हो रहा है, अभी उसका क्या 20-30 साल से वन चिल्ड्रन पॉलिसी था ठीक है, तो अभी ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रहा है,
इंडिया के पास जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, अभी सोचो इंडिया के पास अगर 40-50 करोड़ यूथ है, जो एकदम यूथ, यूथ में क्या होता है, वो लोगों को वो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं। देखो एक ओल्ड एज आदमी जितना सोच बूझ के खर्चा करता है घर का, एक यूथ उतना सोच बूझ के नहीं करता है, ठीक है। और दूसरी बात है, अभी इंडिया में 140 करोड़ आदमी है, उसमें से 5-6 करोड़ ही क्रेडिट कार्ड है, और क्रेडिट कार्ड जिस हिसाब से जितना एग्रेसिवली सारे बैंक इशू कर रहे हैं, बहुत जल्दी 3-4 साल 5 साल में वो 20-25 करोड़ होने वाला है। अभी क्रेडिट कार्ड बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा ही। आप सोचो कंजम्पशन, परचेज, ये सब कहां पे जाएगा। दूसरा, तीसरा जो चीज है, आपका जो मिडिल क्लास इंडिया में जो 2002-03 साल में आप देखोगे, ये डेटा बोल रहा है एक्चुअली 4-5% था, जो अभी 2020 साल में आके जो 20-22% है, और जो 2030 तक 48-50% मिडिल क्लास होगा। अभी मिडिल क्लास ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, आपके पास पैसा आता है तो क्या करते हो आप, पर्सनल डिस्पोजेबल बढ़े आते हैं, खर्चे बढ़े आते हैं, और क्या। नहीं देखो, पहले जब पैसा नहीं होता था, हम लोग क्या था, मार्केट से खुला चीज लेता था, ना उसमें कुछ ब्रांडेड होता था ना कुछ होता था। अभी थोड़ा पैसा होता था, हम लोग क्या करते, कोई अच्छा कंपनी का चीज यूज करते ना, राइट, थोड़ा बहुत ब्रांडेड। तो मिडिल क्लास, जैसे जैसे मिडिल क्लास में आदमी जाता है ना, तो थोड़ा ये ब्रांडेड चीजों, ये सब चीजों, इंडिया के पास 50% मिडिल क्लास होगा हाँ, तब क्या होगा, कौन सा कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। आदित्य बिरला फैशन सर, कोई कंजम्पशन में ग्रोथ रहेगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगा लोगों का धीरे धीरे, जैसे इंडिया डेवलप करेगी तो, और गरीब लोग मिडिल क्लास आएंगे और मिडिल लोग अमीर में कन्वर्ट होंगे, तो डिस्पोजेबल इनकम सबकी बढ़ेगी, और वही हमको कंजम्पशन स्टॉक्स में बहुत फोकस करना चाहिए। हाँ, जो मतलब कंजम्पशन स्टॉक मतलब क्या आपको, एफएमसीजी, लेकिन एफएमसीजी पेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप छोटा से लेके बड़ा तक देखोगे बहुत कंपनी है। आप किसको सिलेक्ट करोगे, एचयूएल ऑलरेडी, हाँ बोलिए, इसमें सिर्फ कंपनी को छोड़ और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अल्कोहलिक अल्कोहल वगैरह काफी कंजम्पशन बढ़ गई। मैं क्यों ये चीज बोल रहा हूँ, अब एचयूएल देखो उसका सेल्स कितना है, HUL का सेल्स 55,000 करोड़ है, अभी उसका मार्केट कैप कितना है, 4 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप, 6 लाख करोड़ के आसपास होगा ये, 6 लाख सर। तो मतलब ऑलरेडी 10 टाइम्स से भी ज्यादा मार्केट कैप, मतलब सेल्स से ज्यादा कर रहा है ना मार्केट कैप, तो वो और कितना ग्रो करेगा। देखो सेल्स अगर डबल भी हो गया तब भी मार्केट कैप के हिसाब से मार्केट कैप 6-7 गुना रहेगा ना। अभी आईटीसी का भी मार्केट कैप, आईटीसी का सेल्स के हिसाब से एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कितना सेल्स है और कितना मार्केट कैप है, मैं एक बार मेरे को चेक करने दीजिए, जस्ट 1 मिनट है। आईटीसी का 3,75,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और उसका ईयरली सेल्स कितना है, उसका ईयरली सेल्स है 61,000 करोड़, तो मतलब इसके भी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से भी ज्यादा है। अभी मैं टाटा स्टील के ऊपर क्यों बोली, देखो टाटा स्टील इंडिया का मतलब बैकबोन है, ठीक है, टाटा स्टील का आप देखोगे कितना का मार्केट कैप है, 1,31,000 करोड़ का, और उसका सेल्स कितना है यार। दादा एक चीज बताइए, जैसे आपने कोरिलेशन किया सेल्स और मार्केट कैप, किसी कंपनी का सेल्स ज्यादा है, मार्केट कैप इज लेस देन सेल्स फिगर। अभी आप एक चीज सोचो, टाटा स्टील में मैं क्यों बुलिश नहीं हूंगा, अभी सोचो किसी ने 1 लाख देखो इतना रुपया पे कर दिया तो वो कंपनी खरीद सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो जो इतना रुपया पे करके कंपनी खरीद रहे हैं उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है साल का, 40,000 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो उसका पे बैक टाइम कितना हो गया, 3 साल में उसका पे बैक आ गया, पे बैक आ गया बिल्कुल।
तीन साल में पेबैक कहाँ पे आता है? कोई बिजनेस में आता है तीन साल में पेबैक? ऑटोमेटिक बनना चाहिए। और इसने ऑलमोस्ट लास्ट दो तीन साल में 60,000 crore का कैपेक्स कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहा है। और आपका कैश फ्लो तो देखो, फ्री कैश फ्लो इस साल का 34,000 फ्री कैश फ्लो है। ये कंपनी का मार्केट कैप 1,31,000 है, उसका फ्री कैश फ्लो एक साल में 34,000 का फ्री कैश फ्लो, मतलब सारे खर्चा सारे सब कुछ देने के बाद जो कैश बचता है। फ्री कैश फ्लो किसको कहते हैं? जो इंटरेस्ट या तो कंपनी का जितना खर्चा है सब कुछ करने के बाद जितना पैसा बचता है। तो सोचो बिजनेस से कितना इनकम कर रहे हैं आप सोचो। और इनफैक्ट डिविडेंड भी आपका डिविडेंड यील्ड जो है वो आपको फिक्स डिपॉजिट से 1% ज्यादा है। जो भी है, मतलब मैं ये बात नहीं कर रहा था। तो अभी एफएमसीजी स्पेस में जो देखोगे, इवन आईटीसी हम लोगों को सस्ता लग रहा है, तब भी आईटीसी का मार्केट कैप 5 times है, सही है ना? सही है। तो आप देखो उसका सेल्स का प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट साल का 15,000 crore है। प्रॉफिट के एक 15,000 crore प्रॉफिट साल के है, उसका 3,75,000 मार्केट कैप है। और एक 40,000 crore प्रॉफिट दे रहे साल का, उसका मार्केट कैप 1,31,000 crore है। तो मैं टाटा स्टील में बुलिश क्यों नहीं हूंगा? सही है सर। सर पर कॉमोडिटी स्टॉक्स में सर साइक्लिक रहता है ना, तो वी शुड नॉट फोकस ऑन दिस, राइट? लेकिन टाटा स्टील क्या होता है सर, इंडिया का बैकबोन है। इंडिया ग्रो करेगा तो स्टील सेक्टर में ग्रो करना ही पड़ेगा, बिना उसको ग्रो नहीं कर सकते। हाँ सर, वो बात तो ठीक है आपकी, पर मेरा व्यू है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ। देखो अभी मैं कोई स्टॉक के ऊपर ना मैं ऐसा बुलिश नहीं होता। एक्चुअली हाँ, क्या होता है, चार्ट उसका पहले अच्छा होना चाहिए। अभी टाटा स्टील का अगर चार्ट देखोगे ना, मैं इसको, मेरा टाटा स्टील का एंट्री थोड़ा ऊपर था लेकिन मैं लॉस में होल्ड कर रहा था। क्योंकि आप अगर चार्ट देखोगे, देखो कोई स्टॉक का ना आपको, देखो हम लोगों को फंडामेंटल न्यूज पता नहीं चलता है, ठीक है? लेकिन कैसे कोई स्टॉक का अच्छा, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, जो लोग म्यूट करने बोलो ना, काफी म्यूट करने बोलो दादा प्लीज। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा जो बात कर रहे हो उसको छोड़ के बाकी लोगों को मैं म्यूट कर। देखो आपको चार्ट क्या बोलता है, चार्ट में ना कोई स्टॉक, ये स्टॉक टाटा स्टील आपको 2007 से लेके अभी तक इस रेंज में घूम रहा था, ठीक है? इस रेंज को ब्रेक किया उसने कितना वॉल्यूम के साथ, तो मतलब जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो बुलिश है। देखो स्मार्ट इन्वेस्टर इतना दिन क्यों बुलिश नहीं था? स्मार्ट इन्वेस्टर को हम लोगों को बहुत पहले सब न्यूज पता रहता है ना। हम लोग अभी इन्फ्लेशन रिसेशन ये सब लेके चिल्ला रहा हूं, लेकिन FII कब से सेल करने लगा, ये तो सोचो आप। FII लास्ट ईयर अक्टूबर से सेल करने लगा क्योंकि उसको उतना पहले पता था, सही है ना? तो ये बिना स्मार्ट इन्वेस्टर का बाइंग इतना बड़ा नहीं आ सकता है, और वो भी वॉल्यूम के साथ। तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। देखो अभी इतना करेक्शन हुआ, एक्चुअली क्या है, ये जो इसको जो 15 साल का जो इसका मतलब ब्रेक किया था उसको रिटेस्ट किया, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करेगा, ऊपर नीचे रहेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत बुलिश है। ये कमोडिटीज, मेरा हिसाब से कमोडिटी साइकिल जस्ट चालू हुआ है। आप साइकिल बोल रहे हो ना, ये साइकिल का एंड में बहुत ज्यादा रहेगा इसका। मेरा हिसाब से कमोडिटी साइकिल जस्ट चालू हुआ। क्लियर है ना सर आपको? सर मैं एक चीज बोलना चाह रहा था। हाँ? सर आपका जो विजन रहता है ना सर, वो 5 to 10 years का रहता है जनरली, और बाकी नॉर्मल पब्लिक जो रहती है वो सोचती है 1 साल 2 साल 6 महीना, ऐसा लॉन्ग टर्म में बोलेगा तो दो तीन क्या होता साल है, देखो है। इसको मेरे को, मेरा जो विजन रहता है, देखो मार्केट में कैसे चलता हूँ मैं, इलियट वेब के हिसाब से चलता हूँ। इलियट वेब में क्या बोलता है, जब कोई स्टॉक, मैं मंथली चार्ट पे देखता हूँ बड़ा टाइम फ्रेम पे, कोई स्टॉक ईयर आफ्टर ईयर कंसोलिडेशन कर रहे हैं ना, मतलब उसमें कोई वेव है नहीं। अभी ये निकला, मतलब ये वेव वन है, टाटा स्टील का जस्ट वेव वन कंप्लीट हुआ, अभी उसके बाद ये बैक कर रहे हैं, मतलब ये वेव थ्री का चालू हो रहा है। ये बहुत बड़ा, ये जो वेव थ्री होता है ना वो सालों के बाद साल चलते रहते हैं।
और वो कहां पर पे खत्म होगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग मंथली चार्ट पे वेब थ्री देख रहा हूँ, मतलब उसका वो मूव ऑफ द लाइफ टाइम होता है, समझा ना। तो मैं ये जो पूरा साइकिल देखो, इधर से इधर तक आने में एक डेढ़ साल लग जाता है, उसके बाद एक करेक्शन में एक डेढ़ साल लेता है, इसके बाद ये दो तीन साल तक चलता है, समझा ना, उसके बाद फिर से थोड़ा सा करेक्शन होगा एक साल डेढ़ साल, उसके बाद एक फाइनल मूव देगा फिर से। ये टोटल साइकिल कंप्लीट होने में आपको 5-6 साल 7 साल लगता है। जब साइकिल कंप्लीट होता है ना, सोचो इस जगह पे अगर 50 रुपया होता है, ये साइकिल कंप्लीशन में ये 500 या 1000 रुपया रहता है, कोई नहीं बोल सकता कहाँ पे जाके वो साइकिल कंप्लीशन होगा, 5000 भी हो सकता है। समझा ना, तो जो कंपनी एक क्वेश्चन था बोलिए सर, ये कंजम्पशन स्टोरी जो है उसको उसको प्रॉक्सी प्ले कर सकते हैं, मैंने वही उसी में आ हुआ ये कंप्लीट करके आ रहा हूँ मैं, उसलिए क्या करते हैं वो। तो वही स्टॉक हम लोगों को देखो, अभी एपीएमसीजी सेगमेंट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, कोई भी लेके सिर्फ आईटीसी छोड़ के, मेरे को चार्ट के हिसाब से आईटीसी बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी कोई भी स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ होगा ऐसा नहीं मतलब होता, लेकिन जो पॉक्सी प्ले है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। पॉक्सी प्ले में क्या है, पॉक्सी प्ले किसको कहते हैं, जैसे आप सोचो आईटीसी भी बिस्कुट बना रहा है, सब बिस्किट बना रहा है, हाँ पार्ले भी बना रहा है, मतलब ब्रिटानिया भी बना रहा है, सबके साथ बहुत कॉम्पिटिशन है सबके सब, लेकिन उसका बिस्किट को डिजर्व करने के लिए जो एडिसिव चाहिए होता है, हाँ अभी बिस्किट को ऐसा ही कोई एडिसिव में आप डिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो फूड है, फूड ग्रेड का वो एडिसिव बनाने के लिए ना जो कंपनी बना रहा है उसको बहुत सारा चेकिंग के थ्रू से जाना पड़ता है, वो सेगमेंट में एंट्री बैरियर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको बहुत सारे जगह क्वालिटी नॉर्म्स पास होना पड़ता है, क्योंकि वो फूड ग्रेड मटेरियल है और उसका केमिस्ट्री भी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अभी पहले क्या था, पहले तब भी केमिकल एडिसिव यूज होता है, जैसे जैसे अभी एनवायरमेंट के लिए या तो कोई भी चीज आदमी हेल्प वो कॉन्शियस हो रहा है, अभी क्या होता है ऑर्गेनिक एडिसिव यूज होता है जो ओलियो केमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो वो उस सेगमेंट में आप जाओगे, देखो आप बिस्किट कोई भी बनाए लेकिन ओलियो केमिकल्स जो एडिसिव है वो एक ही कंपनी से लेना पड़ेगा, इसको कहते हैं पॉक्सी प्ले। तो ऐसा कंपनी जो है इंडिया में छोटा मोटा प्लेयर तो बहुत, लेकिन एक ही ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो है फाइन ऑर्गेनिक्स, जो ओलियो केमिकल्स में मार्केट लीडर है इंडिया में, इनफैक्ट वर्ल्ड में टॉप 5 में आता है ओलियो केमिकल्स में, अभी पूरा वर्ल्ड केमिकल्स से शिफ्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिकल या तो ओलियो केमिकल। तो ये कंपनी कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि सारे कंपनी एचयूएल बोलो, ब्रिटानिया बोलो, पिया जो क्या कहते हैं वो बोलो, या तो कोई भी आईटीसी बोलो, सबको उसके पास से खरीदना पड़ेगा, क्लियर हुआ ना। तो फाइन ऑर्गेनिक्स में मैंने इसलिए इतना बुलिश हूं क्योंकि उसका बहुत ज्यादा दिखता है मेरे को, ये है पॉक्सी प्ले जो आप बोल रहा था, क्लियर है ना। जयदीप जी आपका वॉइस कट रहा है मेरे को, एक्चुअली क्लियर नहीं आ रहा है। नेटवर्क एरिया में आवाज नहीं आ रही आपकी, अभी आप राजीव जी का तो क्लियर आ रहा है। जयदीप जी आपका शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके तो अभी दूसरा जो है ना आपका और एक कंपनी है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। हेलो हेलो, हाँ अभी अभी देख रहा परिवार डी मिली। आपको दूसरा कंपनी क्या है, आप लोग गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का नाम सुना? नहीं सर, नहीं सुना। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट देखो, यस सर, सुविता जी आप तो सुनो गई क्योंकि आप तो होल्ड कर रहे हो। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट से मतलब ये क्या, एक थोड़ा बहुत करेक्शन हम लोग मिल जाते हैं, लेकिन गैलेक्सी सर्फेक्टेंट आप देखोगे ना वो जाइंट है, ये भी एक एपीएमसीजी का प्रॉक्सी प्लेयर है। चलो इस जगह पे नहीं, इसका थोड़ा कंपनी प्रेजेंटेशन मैंने देख रहा था, आप देखोगे ना उसका पागल हो जाओगे,
मतलब क्या है कंपनी? मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट करने के लिए। एक काम कर, ये इजीली अवेलेबल है ये सब प्रेजेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग, आप लोग एक बार देख सकते हो। जो इसका देखो ये क्या बनाता है, दो ये है स्पेशलिटी केमिकल्स में, ठीक है, परफॉर्मेंस जो सर्फेक्टेंट है और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट। ये कहाँ पे यूज होता है? जैसे फोम एंड डार्ट रिमूवल दिया, ठीक है, ये तीन केमिकल्स बनाते हैं। तो फोम एंड डार्ट रिमूवल क्या होता है, जैसे आपको शैम्पू हो गया, फ्लोर क्लीनर हो गया, ये सब में, ठीक है, वैसे जैसे जैसे कुछ होता है कॉस्मेटिक्स में जो होता है, मतलब स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स हो गया, आपको साबन हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट हो गया, और दूसरा आपको जैसे टूथपेस्ट हो गया, ओरल केयर, हेयर केयर, होम केयर, जैसे आपको क्या कहते हैं कॉलिन आता है, सब आता है, ठीक है, वो हो गया परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स। अभी ये कंपनी वो केमिकल बनाते है जो सोचो आपका मतलब वो जो शैम्पू साबन या तो टूथपेस्ट वो सब में जो केमिकल्स यूज हो रहा है, ठीक है, तो मतलब उसमें जो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स यूज होता है या तो जो आपका मतलब स्किन केयर, कॉस्मेटिक्स, टॉयलेट्स, ये सब में जो केमिकल्स यूज होता है, उसका स्पेशलिटी केयर जो प्रोडक्ट्स है, ये सब क्या है? आपको लगेगा ये बहुत आसान है बनाना, लेकिन ये नहीं है। ये क्या ह्यूमन का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, आपको केमिकल में बहुत ज्यादा एक्सपर्टाइज रहता है। और इसके लिए आप देखोगे इस कंपनी के पास ये सेगमेंट में कितना पेटेंट है आपको पता है? 81 पेटेंट है और 16 और भी अप्लाइड है। अभी पेटेंट है मतलब क्या है, दूसरा कंपनी उठ के तो बना नहीं सकते, ह्यूज एंटीबायोटिक है, काल उठ के दूसरा कंपनी बनाएगा भी ना, इसमें उसका अप्रूवल में 5 साल लगता है सारे जगह पे, जितना प्रोसेस है वो केमिकल, क्योंकि इसमें ना आप ह्यूमन डायरेक्ट स्किन पे है। अभी आप टूथपेस्ट डायरेक्ट मुंह में देके मतलब ब्रश कर रहे हो, तो आप सोचो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है वो केमिकल में, कितना इफेक्ट हो सकता है। और जो एफएमसीजी कंपनी लेते हैं उसका रेपुटेशन का सवाल होता है ना, तो एंटी बैरियर बहुत ज्यादा है, इस कंपनी को कौन बीट करेगा? आप सोचो एफएमसीजी अभी बढ़ेगा तो इस कंपनी कहां पे पहुंच सकता है, क्योंकि सबको तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट इसके पास से लेना पड़ेगा ना, पेटेंट इसके पास है। यस सर, क्लियर है ना? और इसका चार्ट भी देखोगे, चार्ट भी थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड में गया था लेकिन अल्टीमेटली अभी रिकवर कर गया। मैं तो इसको निकाला नहीं था, मैं यही लग रहा था ये जीता जाएगा देखेंगे, क्योंकि ऐसा कंपनी इनफैक्ट मैंने इस लेवल पे उस दिन मतलब जितना नीचे गया मैंने थोड़ा बहुत करके ऐड करते भी गया इसमें। देखो अभी इसका चार्ट अभी देखो कि वीकली चार्ट पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। मैं किसी को ना एक चीज क्लियर कर दो, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, अभी मार्केट के कैसे देखना चाहिए। एक्चुअली मैं तो पहले चार्ट से मेरा चालू होता है, चार्ट अच्छा होता है तो उसके बाद रिसर्च करता हूँ मैं उसके ऊपर। टेक्सटाइल स्पेस में प्रॉक्सी प्ले फिनोटेक केमिकल्स, फिनोटेक्स अच्छा है लेकिन उसका मार्केट शेयर उतना ज्यादा नहीं है, टेक्सटाइल में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। टेक्सटाइल केमिकल स्पेस में जो है इतने सारे कंपनी है, और किसके पास उतना मतलब ऐसा नहीं जे कोई एक्स्ट्रा कोई केमिकल्स होता है जिसके पास, जो जिसके पास से नहीं लूंगा तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है उसमें, मतलब किसी का ऐसा मोनोपोली नहीं है। ये क्या है, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट देखोगे मोनोपोली है, मोनोपोली नहीं, कंपनी के पास इतना पेटेंट वो लेके बैठे हैं तो उसको कौन बीट करेगा? सर ऐसे ही एडवांस एंजाइम का भी है क्या? सर एडवांस एंजाइम अभी एंजाइम क्या छोटा मोटा स्केल में बहुत लोग बनाते हैं और बाहर भी बनाते हैं, ठीक है, एडवांस एंजाइम का कंपनी तो बहुत अच्छा है लेकिन आप अभी देखोगे ना उसका एबिटा मार्जिन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब क्या है मार्केट में इम्पैक्ट, मतलब उसके मतलब है मार्केट में कॉम्पिटिशन आ रहा है, समझे ना? इनफैक्ट आप गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का भी देखोगे उसका मार्जिन बहुत ज्यादा डिक्रीज किया है, उसके यही रीजन है स्टॉक इतना करेक्शन हुआ था, क्योंकि हम लोग तो फ्यूचर कर रहे हैं लेकिन इसका मार्जिन बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ, तो मैंने उसके बहुत ओरी था क्यों हो रहा है, तो उसके बाद मैंने
उसका कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने देखा जे क्यू डिक्रीज हो रहा है एक्चुअली। इनफैक्ट इस साल का जो प्रॉफिट है मतलब मार्च का 2021-22 का देखो प्रॉफिट कम हो गया उसका, मार्जिन भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हुआ एक्चुअली। उसका ये रीजन है जो रॉ मटेरियल से और यूएसडी आईएनआर जो बढ़ा है उसका इम्पैक्ट है एक्चुअली। तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि उसके बाद भी ये परफॉर्मेंस पकड़ के रखा है वो बहुत बड़ा बात है। देखो पूरा वर्ल्ड वाइड उसने एक्सपोर्ट करता है, उसका हेडक्वार्टर इंडिया में, इजिप्ट में और यूएसए में है। देखो वो तो क्या होता है, मेरा जो क्लास है उसमें मैंने बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ, उसमें मैं चेकलिस्ट भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। अब तो शायद मेरा क्लास भी अटेंड किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल किया, तो आपको तो पता होगा ना मेरा चेकलिस्ट जो है, वो चेकलिस्ट फुलफिल होता है तो हम लोग लेते हैं। अभी थोड़ा क्या है देखो धीरे धीरे कितना होता है, मेरा भी इम्प्रूवमेंट होते रहता है, ठीक है ना। मैं अभी समझा, मतलब मैं अभी दो ही चीज करता हूँ, या तो मेरे को शॉर्ट टर्म चाहिए तो मैं ऑप्शन करता हूँ, ठीक है, और मेरे को स्टॉक में मेरे को जो इतना अच्छा स्टॉक में वो शॉर्ट टर्म में मेरे को नहीं निकलना है। और इम्पैक्ट देखो क्या होता है, आप हम लोग सोचते रहते हैं चलो ये शॉर्ट टर्म में हम लोग इम्पेसेंस हो जाते हैं, पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आ रहा है। एक्चुअली आप वॉरेन बफेट का देखोगे ना, उनका पूरा जिंदगी का सीएजीआर 20% नहीं है। हम लोग जब भी बोलते हैं ना 20% सीएजीआर, लोगों को लगता है ये तो बहुत कम है, लेकिन वॉरेन बफेट का भी 19.75 है, तब भी वो वर्ल्ड का टॉप 5 रिचेस्ट मैन में आ गया जो एक टाइम न्यूज़पेपर सेल करता था। तो आपका मतलब कंसिस्टेंट होना पड़ेगा 20-25% सीएजीआर, और उसके लिए क्या होगा आपको विनर को पकड़ना पड़ेगा स्टॉक, मतलब आपको पोर्टफोलियो में। राइट सर, राइट, नो नो, उसके लिए देखना। अभी तो सिर्फ एक ये हो गया, चलो गैलेक्सी सर्फेक्स टेन हो गया, या तो आपका क्या कहते हैं फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया। अभी देखो अभी मैं जितना वीडियो दे रहा हूँ ना, सब एक एक का मार्केट लीडर है। जैसे मैंने अभी तक वो नहीं बनाया, आशाई इंडिया का मेरे को बनाने का मौका नहीं मिला, या तो बनाया नहीं। लेकिन आशाई इंडिया क्यों आशाई इंडिया, आशाई इंडिया आपका ऐसा है, आपको मारुति को देखोगे ना, इंडिया का कार मार्केट में 50% मार्केट शेयर है। दादा वही है ना जो शीशा ग्लास तो बनाता ना मैन्युफैक्चरर। लेकिन वो क्या है, आपको मारुति क्या करते है, उसका 50% मार्केट शेयर है। अभी मारुति अपना सप्लाई के लिए ना एक एक कंपनी को खड़ा कर दिया, कोई ग्लास के लिए खड़ा कर दिया, कोई केबल के लिए खड़ा कर दिया, समझा ना, जो ब्रेकिंग केबल्स ईच एंड एवरीथिंग ये सब के लिए, या तो कोई ना कोई पार्ट्स के लिए एक कंपनी खड़ा कर दिया। और उसमें जैसे भारत फिट, वो भी मारुति का देखना, उसका मारुति का ह्यूज होल्डिंग्स है। हाँ, तो भारत फिट है ऐसा, ऐसा ही इंडिया ग्लास वैसा है, ग्लास ऑटोमोबाइल जो ग्लास है उसके लिए इसको खड़ा किया था, ठीक है। तो अभी उसमें देखना मारुति सुजुकी का होल्डिंग बहुत ज्यादा है। तो अभी आशाई इंडिया का चार्ट अभी देखोगे सुपर चार्ट है, सुपर मतलब सुपर बोलोगे बहुत कम है। तो वो चार्ट देख के मैंने इसका रिसर्च चालू किया था। तो उसके बाद देखा क्या है, इंडिया का जो ऑटोमोबाइल मार्केट है, ऑटोमोबाइल ग्लास का मार्केट है, उसका 75% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। और आप क्या बोलोगे, तो उस कंपनी को मैं क्यों होल्ड नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा दो चार दिन मार्केट डीप हो रहा था, मैंने क्या किया, मेरा जो होल्डिंग था थोड़ा सा 30-40% के ऊपर ऊपर मिल रहा था मेरे को प्रॉफिट, तो मैंने क्या किया उसको प्रॉफिट बुक करके फ्री शेयर रख दिया। थोड़ा अगर करेक्शन होगा तो मैं और भी ऐड करूंगा, या तो ऊपर जाएगा तो फ्री शेयर मेरे पास पड़ा ही है, और फ्री शेयर का क्वांटिटी भी अच्छा खासा क्वांटिटी है मेरे पास फ्री शेयर जो है। तो मतलब क्या, उसको मैं कभी देखने वाला ही नहीं हूँ। क्या है, शायद 10 साल के बाद वो मेरे को इतना रुपया दे, मेरे को सोचना ही नहीं पड़े कुछ, किसको पता है। क्योंकि जो मार्केट लीडर है उसको बिजनेस देखो, इंडियन ऑटोमोबाइल धीरे धीरे मिडिल क्लास बढ़ेगा तो ऑटोमोबाइल का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। True. जैसे लास्ट वीक मैंने दिया सुप्राजीत इंजीनियरिंग, सुप्राजीत इंजीनियरिंग अपने पता है वो क्या करते हैं कंपनी, मैंने बहुत डिटेल में मेरा वीडियो में दिया, किसी ने देखा सुप्राजीत का क्या मैंने दिया।
मैन्युफैक्चरिंग सर पूरा जो पूरा देखा है उसको तो पता है ना क्या वो कंपनी क्या चीज है कंपनी सही है ना। देखो सुप्राजीत इंजीनियरिंग पहले चालू हुआ था ये कंपनी अच्छा कंपनी जब देखोगे ना देखो गैलेक्सी सरफेस टेन को देखो 1980 में ओनली 3 प्रोडक्ट लेके चालू किया था धीरे धीरे देखो कैसे प्रोडक्ट बढ़ता गया। तो सुप्राजीत इंजीनियरिंग देखोगे पहले जब चालू हुआ था ना 1995 ऐसा कुछ टीवीएस मोटर के लिए वो चालू हुआ था टीवीएस का अच्छा खासा होल्डिंग था ठीक है। टीवीएस का जो मोटरसाइकिल है उसका जो ब्रेक केबल होता है ना उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए टीवीएस ने एक कंपनी खड़ा किया था उसका नाम है सुप्राजीत इंजीनियरिंग। तो एक टाइम के बाद एक टाइम ऐसा आ गया जो टीवीएस का 100% जो केबल्स वगैरह है सब वो ही तैयार करता है जो बाइक में जो ब्रेक केबल या तो बहुत सारे अभी फोर व्हीलर में बाइक में 3 केबल यूज होता है फोर व्हील में 16-17 केबल यूज होता है जो वो स्टीयरिंग के लिए केबल होता है ब्रेक के लिए होता है बहुत सारी चीजों के लिए होता है ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आ गया 2002-3 तक इस कंपनी को ऑटोमोबाइल सेगमेंट टू व्हीलर सेगमेंट में 75% मार्केट शेयर मिल गया। तो अभी जिसका 75% मार्केट शेयर मिल गया उसके लिए और क्या पड़ा है मार्केट में कुछ नहीं है ना और ग्रो नहीं कर सकते ना उसका ग्रोथ टोटली डिपेंड हो गया क्या है ऑटोमोबाइल टू व्हीलर सेगमेंट जितना ग्रो करेगा उसके ऊपर ही डिपेंड हो गया सही है या नहीं। करेक्ट करेक्ट सर। तो उसके लिए वो क्या किया उसने सा केबल्स बोल के एक कंपनी को एक्वायर कर लिया जो फोर व्हीलर केबल में वन ऑफ द मार्केट लीडर था इंडिया में। अभी आप बोलोगे मार्केट लीडर है तब भी मार्केट से क्यों निकलना पड़ा एक्चुअली एक केबल का जो बिजनेस है ना बहुत लो मार्जिन बिजनेस है समझा ना इसमें आपको कॉस्ट ऑफ स्केल रहना चाहिए। अभी कॉस्ट ऑफ स्केल क्या होता है जो मतलब आपको ह्यूज प्रोडक्शन करना पड़ेगा तब भी आप संभाल सकते हो समझा ना। तो इसलिए कोई इस फील्ड में टिक नहीं पाता क्योंकि उसका एक ब्रेक केबल का रेट बहुत ज्यादा नहीं होता है उसका। तो क्या होता है तो उसने सा केबल्स को ले लिया तो अभी एक टाइम के बाद उसका 48% मार्केट शेयर 45 या तो 40-45% मार्केट शेयर फोर व्हीलर में भी आ गया। हाँ अभी उसके ऊपर क्यों नहीं जा सकते क्योंकि मारुति जो है उस साइड में एक अपना कंपनी खड़ा करके रख दिया है हाईटेक्स या तो लाटेक्स बोल के एक कंपनी है जो मारुति के लिए वो फोर व्हील मतलब वो केबल वगैरह बनाते हैं तो उसमें तो बन नहीं सकता। अभी उसका बैलेंस शीट आप देखोगे मैं मेरा वीडियो पे दिखाया था वो कंपनी एक्चुअली लॉस में चल रहा है। और इस साइड में आप सुप्राजीत इंजीनियर को देखोगे ये हमेशा इसका जो मतलब क्या कहते हैं एबिटा जो है 15% के ऊपर ही है कमोडिटी डाउन हो रहे हैं आप हो रहा है जो भी है 15% के ऊपर तो मतलब क्या इस कंपनी के पास कॉस्ट ऑफ स्केल है सही है ना। तो ये क्या है अभी क्या है इसके बाद क्या एक फेस्ट सैचुरेशन आ गया उसने क्या किया एक मेक्सिको का कंपनी है ओएफसल ऐसा कुछ बोल के ओएफस्टोन ऐसा करके जो आउटडोर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इक्विपमेंट बनता है ना जैसे ग्रास कटने का मशीन है ट्रैक्टर्स हो गया ये सब का जो केबल्स यूज होता है उसमें वो मार्केट लीडर था नॉर्थ अमेरिका में तो उसको एक्वायर कर लिया। अभी उसने क्या था उसको क्यों एक्वायर किया उसका मतलब वो भी लॉस में ऐसा में चल रहा था क्योंकि उसके पास भी कॉस्ट ऑफ स्केल नहीं। अभी सुप्राजीत इंजीनियरिंग का क्या करते हैं जिस जगह पे लेबर कॉस्ट चीप है ना उस जगह पे बनाता है जैसे इंडिया में हो गया मेक्सिको हो गया ये सब में जिस जगह पे लेबर कॉस्ट कम है साउथ अमेरिका ये सब जगह पे वो प्लांट बना के उधर लो कॉस्ट में बनाता है और इसका स्केल बहुत ज्यादा होता है मतलब बहुत एक साथ बनाता है तो वो ले लिया। अभी क्या है उसके बाद उस सेगमेंट में भी सैचुरेशन आ गया तो अभी 2-3 साल पहले उसने उसको एक्वायर कर लिया आपको फोनिक्स लैम्प करके है जो फोनिक्स लैम्प क्या है आपको गाड़ी का जो हेडलाइट है ना उसका मार्केट लीडर है अभी वर्ल्ड में भी टॉप 3-4 में आता है। तो ये क्या एक अच्छा कंपनी का ये होता है जो धीरे 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 जैसे ही मार्केट सैचुएशन आ रहा है दूसरा कोई नया प्रोडक्ट में एंट्री करके फिर से मार्केट शेयर फिर से उसमें मार्केट एक्वायर करके फिर से दूसरा एक किसी को और ये कंपनी अपना जैसे जैसे प्रॉफिट होते गया अपना भी एक्सपेंशन किया जो एग्जिस्टिंग है और जैसे क्योंकि ऑटोमोबाइल टू व्हीलर फोर व्हीलर सेगमेंट में जैसे बढ़ेगा इसका भी मार्केट बढ़ते जाएगा और प्लस नया प्रोडक्ट में एंट्री कर रहा है। तो ये सब कंपनी क्यों मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना सेगमेंट में मार्केट लीडर है जैसे अपर इंडस्ट्रीज मेरा रिसेंट पिक में है तो अपर इंडस्ट्रीज क्या है जो कंडक्टर्स होता है रेलवे केबल्स ठीक है रेलवे केबल्स हाई एक्सटेंशन लाइन आपको लगता है जो वो बहुत इजी टेक्नोलॉजी है वो इजी नहीं है क्योंकि
कोई भी पावर जब हाई एक्सटेंशन लाइन से पावर जाता है ना, उसमें एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है। आपको मटेरियल सही कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, उसमें आग लग जाएगा जो हीट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो कंडक्टर बनाते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर में वर्ल्ड का नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसके पास है, वर्ल्ड में नंबर वन मतलब कैपेसिटी है इसके पास। दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर बहुत कॉस्टली चीज होता है। अभी उसमें जो आप ऑयल डाल रहे हो ना, आपके पास अगर ट्रांसफार्मर है ऑयल का डाल रहे हो, उसमें 100-200-500 रुपया का प्राइस का इधर उधर में किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऑयल जो ट्रांसफार्मर में जितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, वो मशीन पार्ट जो मूव कर रहे हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे सही से, फ्रिक्शन कम मतलब नहीं हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगा तो बहुत ज्यादा लॉस है। तो ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो ऑयल है तो उसमें एक्सपर्टाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो ट्रांसफार्मर ऑयल है, ठीक है, तो इसमें वो इंडिया का 70% मार्केट शेयर इसके पास है, प्लस ऑटोमोबाइल या लुब्रिकेशन है उसपे भी अच्छा खासा मार्केट शेयर है। ई एन आई करके एनी करके एक ब्रांड है जो अपर इंडस्ट्रीज का खुद का ब्रांड है, जो ऑटोमोबाइल में बहुत सारे देखने मिलता है, वो तो मार्केट में मैंने देखा वो मिलता है मार्केट में। तो ये जो कंपनीज जो मार्केट शेयर जो कंपनी जो अभी जो लीड कर रहे हैं, छोटा 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 ऐसा बहुत सारे कंपनीज है। जैसे आपने आप सुना होगा एलजी बालकृष्ण, एलजी बालकृष्ण जो है उसको पता, आपको जो चेन्स होता है ना, चेन्स पॉकेट जो चेन को घुमाने के लिए जो पॉकेट या क्या कहते हैं उसको, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का 75% मार्केट शेयर उसके पास है। तो अभी इंडिया का ग्रो होगा, अभी अपने अपने सेगमेंट में जो मार्केट लीडर है उसको तो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। तो हम लोगों को अभी एलजी वाला किसने मेरे को कैसे पता चला, एक्चुअली उसका चार्ट अच्छा लग रहा है तब मैंने उसको ढूंढा। देखो अभी मैं क्यों ढूंढते रहता हूँ, मेरे पास तो ऑप्शन, देखो प्राइस सबके पास लिमिटेड है, करेक्ट, मेरे पास बहुत सारे कंपनी अच्छा लगता है, चार्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके मतलब ये नहीं जे मैं उसमें घुस जाऊं। तो थोड़ा बहुत एक करके, क्योंकि मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड करना है। देखो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ इंडिया का ग्रोथ स्टोरी लेके, रॉन्ग होगा तो क्या है, ठीक है, लेकिन सब बोल रहे हैं ना और दिख भी रहा है इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है। क्या है सर? ठीक है, अभी मैंने इसको मतलब, चलो मैंने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, अभी आप लोगों का क्वेश्चन लेना है, बोलिए सर एक एक करके। एक चीज बोल देता हूँ, जो मैं जो बोलना चाहता हूँ ये क्लियर हुआ ना? देखो क्या है, ये शॉर्ट टर्म अप डाउन ये सब लेके उतना ज्यादा पड़ता नहीं है, क्योंकि मेरे को, मैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चल रहा हूँ। जो देखो अभी निफ्टी जो है, जस्ट एक मिनट, निफ्टी का चार्ट जो दिखा रहा था मैंने उस टाइम, आप अगर देखोगे टेक्निकली भी कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है, अगर इस जगह पे ब्रेकआउट देगा देखो, आप अगर इस जगह पे देखोगे निफ्टी मंथली चार्ट पे फ्लैग जैसे बनाया ना, तो ये फ्लैग का कितना है 18,600 से, तो मतलब 11,000 पॉइंट का इस जगह पे अगर ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकआउट पॉइंट सोचो कितना होगा, 18,000 के आसपास ब्रेकआउट पॉइंट होगा। तो उस जगह पे ब्रेकआउट दिया तो और भी 11,000 पॉइंट उसके बाद मूव कर सकते हैं, मैं गारंटेड कुछ नहीं बोल रहा। तो ये सब होगा तो मार्केट लीडर्स जो है वो कहाँ पे जा सकते हैं, तो लेकिन मैं कोई भी मार्केट लीडर ऐसा उठा नहीं लूंगा, लेकिन उसका चार्ट भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ मेरे को पता है मैं जितना उठा रहा हूँ सब शायद नहीं चलेगा, लेकिन मेरे उसमें क्या हुए, मेरा 30-40% भी चलेगा ना, वो मेरे को इतना वेल्थ देगा, मेरे को बाकी लेके उतना सोचना नहीं पड़ेगा। दादा LTI थर्ड वेव में है क्या? अभी मंथली कैंडल काफी अच्छी बना रहे वो चार्ट ऑफ LTI है, मतलब लार्सन टर्बो इंफोटेक। अच्छा से लेके
इस जगह पे एक्चुअली मैं कंफ्यूज है क्योंकि इसका ये कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा दिन का नहीं है, समझे ना? ओके शायद मेरे को लग रहा है थर्ड वेव में है, इस जगह पे अच्छा एक ब्रेकआउट भी है इसको किया तो खराब नहीं है, मतलब इम्पैक्ट मेरे को एक्चुअली वेव का काउंटिंग सही से करना पड़ेगा, लेकिन चार्ट अच्छा है, इस जगह पे अच्छा सपोर्ट लिया तो एलटीआई के बारे में को फंडामेंटल बहुत अच्छा तरह से देखना पड़ेगा। ओके मैं फंडामेंटल के ऊपर बहुत ज्यादा इसका किया नहीं है एक्चुअली। आप मूविंग एवरेज जो देखते हैं दादा, एक्सपोनेंशियल होता है या सिंपल मूविंग एवरेज लगाता है इसमें? सिंपल, मैंने मूविंग एवरेज सही में कोई चार्ट पे मैंने यूज नहीं करता उतना, जस्ट ये निफ्टी का मूवमेंट में बहुत अच्छा काम करता है। तो वो सिंपल मूविंग एवरेज होता है दादा, एक्सपोनेंशियल होता है? सिंपल सिंपल मूविंग एवरेज होता है। ओके दादा, इस जगह पे मॉडिफाई स्टडी में अगर आऊंगा तो इस जगह पे जैसे एवरेज जो है ना, नॉर्मल एवरेज, इस जगह पे देखो कोई एक्सपेक्टेशन या कुछ लिखा नहीं है, ओनली नॉर्मल है। ओके विद इथेनॉल, इथेनॉल प्रॉक्सी प्ले प्राज, प्राज इंडस्ट्री। आज तो मैंने बहुत दिन पहले ही दिया था ना, जब सुगर का बनाया था वीडियो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, स्टोरी इंटैक्ट है ना विद्युत? अभी उसके अभी लिए मेरे को बहुत गालाई भी सुनना पड़ा है। क्यों? प्राज ये देने के बाद थोड़ा करेक्शन हुआ था ना। अरे वो तो होता ही रहेगा, उसमें क्या है, लोग समझते नहीं है ना। तो दादाजी प्रकाश फ्रॉम बैंगलोर बोलिए सर। सर आपको सुप्रजित टीवीएस में एक्सएम्प्लॉय में, मैं वो क्वालिटी में काम कर रहा था। सुप्रजित को बहुत अच्छा कंपनी है सर, एक्चुअली बहुत बड़ा प्लांट है बेंगलुरु में। कौन सा कंपनी? सुप्रजित, सुप्रजित इंजीनियरिंग। सुप्रजित मैं तो मतलब उसका फंडामेंटल देख के अमेजिंग फंडामेंटल सुप्रजित। मैं टीएस में काम कर रहा था, मैं एक्सएम्प्लॉय में क्वालिटी में था, इसलिए इसमें हमें को पता है, इसलिए मैं बोला उसको बड़ा था। नहीं नहीं, मैं टीवीएस में था, टीवीएस में क्वालिटी था, वो तो एक्चुअली टीवीएस का ही था वो कंपनी। क्योंकि वो ब्रेक वायर फ्रॉम उसको ले रहा था, इसलिए वो अच्छा कंपनी है, उसको बड़ा बहुत बड़ा प्लांट है सर, बहुत बेंगलुरु में। अभी तो शायद कितना 15-16 प्लांट है इंडिया में। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा टीवीएस के नजदीक ही है उसका बड़ा, और एक बड़ा प्लांट है। मतलब कंपनी ना अमेजिंग है, आप देखोगे अच्छा कंपनी का क्या होता है, जब भी कोई सेगमेंट में सैचुरेशन आ रहा है वो तुरंत दूसरे किसी को एक्वायर करके नया सेगमेंट में एंट्री कर रहा है, और पुराना बिजनेस को भी पैरेलली एक्सपेंशन कर रहा है। अच्छा सर, करेक्ट। आपको एलटी फूड भी साहब कंपनशिप में है शायद, वो भी नेक्स्ट शायद एलटी फूड में। मैं क्यों ज्यादा बुलिश हूँ देखो, बोले सर इसमें से दावत लिखना पड़ेगा सर, या दावत या करेक्ट दावत राइस। देखो हम लोग इस जगह पे उठाया था, करेक्ट। तो एलटी फूड में मैं क्यों बोली छू, मैं डीमार्ट में जाता हूँ, बिग बाजार में जाता हूँ, मेरे को सबसे ज्यादा दावत का ही दिखता है। करेक्ट। अभी तो पहले क्या था, कोहिनूर का मिलता था, इंडिया गेट का मिलता था, लेकिन उनका अभी जितना पैकेट रखा रहता है, और सबसे बड़ा बात है मैं खुद घर पे दावत का खाता हूँ। क्योंकि मैं देखा, देखो दो चीज होता है, मैं आप अगर हमेशा रोज, इसका क्या है, आप रोज जो खा सकते हो इसलिए भी रोजाना एक सेगमेंट है बासमती का, आप बिरयानी बनाओगे उसके लिए भी एक सेगमेंट है हाई, लेकिन कोहिनूर या तो बाकी सब में जाओगे ना, सारे हाई सेगमेंट भी बासमती है। तो आप रोज के लिए बहुत ज्यादा 150-200 रुपया किलो नहीं खा सकते, ये क्या है आपको रोजाना सेगमेंट में भी आपको 60-65 रुपया में दे रहा है। अच्छा, मेरे को जैसे 5 किलो का पैकेज जो रोजाना इसका बासमती है 350 या तो 360 में मिलता है, मतलब मेरे को कितना पड़ रहा है इसको। और एक ग्लोबल राइस एक्सपोर्ट में ज्यादा पड़ रहा है शायद, वो एलटी फूड के लिए एडवांटेज है। नेक्स्ट एलटी फूड का प्लांट अमेरिका में भी है, जो से पैकेजिंग प्लांट है, इधर से राइस ले जाके उधर से पैकेजिंग करके उधर बेचता है। रिसेंट नीदरलैंड में भी किया सर नया प्लांट। हां तो एलटी फूड मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग कंपनी है। मैं तो सिर्फ देखता हूँ, देखो जो कंपनी को हमेशा दिखता है, हर जगह पे दिखता है जिसका प्रोडक्ट, वो कंपनी कभी खराब नहीं हो सकता है। तो दादा एक चीज बताइए, जो चार्ट आप देख रहे हो कोई भी एनालिसिस के लिए, तो आप हमेशा मंथली चार्ट पे ही मतलब वो देखते पैटर्न क्या बन रहा है, ब्रेकआउट? मैं लॉन्ग टर्म का जो मैं जनरली क्या प्रेफर करता हूँ, लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक थर्ड वेव में है उसको पकड़ने का मैं कोशिश करता हूँ। तो एलटी का वीकली चार्ट या डेली चार्ट पे दिखाएं सर एक बार, एलटी फूड देखो मंथली चार्ट पे मैं
क्या बोल सकते हो, इस जगह पे एक लंबा सा कंसोलिडेशन था, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हुआ ना, एक 5-8 का सीक्वेंस इसका कंप्लीट हो गया था। यस सर, 1-3 क्या है करंट? तो ये क्या है, 1-2-3-4-5 हो गया। तो इस जगह पे एक बड़ा सा 1 कंप्लीट हुआ। जब इलियट वेव का क्या है, जब एक बड़ा सा मतलब पूरा वेव सीक्वेंस कंप्लीट होता है, उसके मतलब एक बड़ा सा 1 कंप्लीट हुआ। अभी सोचो इस 1 के लिए अभी इतना बड़ा मूव अगर मिल सकता है, तो इतना बड़ा 1 के लिए इसको कितना बड़ा मूव मिल सकता है। तो इमीडिएटली जब इस जगह से निकला ना, तब मेरे को पता चला ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में इसका 3 चालू हो रहा है। तो ये एक बार इसको क्रॉस करने के बाद मोमेंटम पकड़ेगा, कहां पर भी जा सकते हैं। करेक्ट सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं सर। एक तो वैल्यूएशन, जैसे आप मार्केट लीडर देखते हैं तो वैल्यूएशंस भी उनका हाई होगा जनरली, मतलब अगर मार्केट कंडीशन ठीक है तो वैल्यूएशंस हाई रहते हैं, तो उस समय मैं वैल्यूएशन कभी नहीं देखता हूँ। मैं क्या देखता हूँ, मैं आरओसी देखता हूँ। आरओसी क्या होता है पता है? यस सर। तो कोई कंपनी अगर कितना कैपिटल लगा के उसका, देखो मेरे को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आरओसी ये है, आपको सीधा सीधा बताएगा आप 100 रुपया लगा के कितना कमा रहे हो साल पे। करेक्ट, सही है ना? करेक्ट। अभी निफ्टी 50 कंपनी का आरओसी, एवरेज आरओसी है 11-12%। अभी जो कंपनी 15-20% आरओसी में काम कर रहे, तो मतलब निफ्टी 50 कंपनी से आगे है, ज्यादा कमा रहा है। करेक्ट, तो उस कंपनी को मैं, जैसे सुप्राजीत इंडिया को देखोगे 18-19% उसका आरओसी है। और ऑटोमोबाइल कंपनी एक खराब टाइम से गुजरा है, ऑटोमोबाइल कोई भी ऑटोमोबाइल पूरा सेगमेंट एक बुरा टाइम से गुजर रहा है 2018 के से, सही है ना? तो उस टाइम में भी ये अगर 18-20 का आरओसी एबल, मतलब आरओसी जनरेट कर पा रहा है, तो मतलब वो कंपनी में रियली कुछ है। यस सही है ना? यस सर। जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स का आप देखोगे, जैसे दीपक नाइट्रेट हम लोग उठाया था, मेरा फेसबुक ग्रुप पे उस टाइम मैंने 400-500 का लेवल पे दिया था, ठीक है। दीपक नाइट्रेट इतना चल गया, आप दीपक नाइट्रेट का आरओसी देखोगे कितना है पता है, 40 के आसपास आरओसी है। आप समझे, एवरेज निफ्टी 50 स्टॉक से 4 गुना वो कमा रहा है। बालाजी हमारे 30 के आसपास आरओसी है, ठीक है। फाइन ऑर्गेनिक्स में इतना मैं बुलिश हूँ इसलिए क्योंकि उसका 39 के आसपास आरओसी है। बट विद्युत सर, ये दीपक नाइट्राइट जो है, विद्युत सर दीपक नाइट्राइट इज ऑल्सो, मुझे लगता है वन ऑफ द वैल्यूएशन वाइज सबसे रीजनेबल वैल्यूड कंपनी है। यस, विद दैट आरओसी एंड आरओई मुझे लगता है दीपक नाइट्राइट हैज अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। एट देखो इसका हम लोग, इसका जब 7,000 मार्केट कैप था, 7,000-8,000 मार्केट कैप था, तब उस जगह से हम लोग उठाया था इसको। आप इसका आरओसी देखो कितना है, 44% आरओसी। कैन यू इमेजिन, ये कंपनी सर अभी तो कैपेक्स भी कर रहा है, तो अभी आगे मतलब अभी काफी एक्सपेंड करेगा। कोई कोई प्रोडक्ट में, बहुत सारे प्रोडक्ट में मार्केट लीडर है। एंड विदुदा उसका पी देखो इज वन ऑफ द, आई मीन वेरी वेरी लो कंपेयर्ड टू सम अदर। ये कंपनी कैसे ग्रो किया देखो, एक टाइम मतलब कितना, 10 मतलब कितना 17 का अभी आरओसी देखो, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है ईयर आफ्टर ईयर। यस सर। और पीई भी देखोगे सिर्फ 24 का पीई में। और एक न्यूज है सर, इस क्वार्टर में नेट डेट का प्राइस का 12% बढ़ा है सर, सो नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आ जाएगा उसका। एक्चुअली उसमें आप देखने जाओगे ना, रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ा है। करेक्ट। एक्चुअली मार्जिन कितना हो रहा है वो मेनली वो कर रहे वेरी करते हैं। आप इस जगह पे देखो पीडी लाइट्स का आरओसी कितना है, 26 है। उसके सामने ये सेगमेंट में 40 मतलब किसी का 25 के ऊपर नहीं है, सिर्फ इसका 44 है। यस सर। एक और क्वेश्चन था, हाँ बोलिए सर। जैसे कुछ साल पहले मतलब 17 के आसपास लाइक स्मॉल कैप नहीं रन कर रहे थे, 2-3 साल के समय पे सिर्फ मतलब निफ्टी ही रन कर रहा था, तो ऐसा सिनेरियो आप दोबारा से देखते हैं क्या?
देखो मार्केट हमेशा साइक्लिक होता है, हर साइकिल आएगा, वो तो अप डाउन सब कुछ लेके सब चलता है, ठीक है। लेकिन आप अगर अच्छा कंपनी पकड़ रहे हो ना, देखो इस टाइम पे भी मेरा बालाजी एमआईएस चला, दीपक नाइट्रेट चला, कितने सारे चला, आपको अप डाउन रहेगा। उस टाइम पे जब डाउन साइकिल रहेगा, आपको क्यों बोलता है ये आप मार्केट में 25 से 22-25% आरओसी मतलब आपको सीएजीआर मिल रहा है तो बहुत अच्छा क्यों होता है? वो अप डाउन साइकिल मिला के कैलकुलेशन होता है वो। देखो मार्केट वैसा एग्जैक्टली आप मतलब टाइम नहीं कर सकते सर, आप टाइम कर भी सकते हो, मेरे को मैं देखो आप लोगों को लगता है मैं इतना अच्छा टाइम कर रहा हूँ, लेकिन उसके मतलब थोड़ा ये है मैं पूरा पोर्टफोलियो निकल रहा हूँ। आपके पास आप अगर सही में एक बड़ा पोर्टफोलियो निकल रहे हो, एक पोर्टफोलियो बनाने में ना जान निकल जाता है सर। करेक्ट सर, एक पोर्टफोलियो बनाने में सही में इतना मतलब उसके लिए मेहनत होता है, आप सोच नहीं सकते इतना मेहनत होता है। क्योंकि पोर्टफोलियो में मैं सोचो कोई कंपनी के ऊपर कॉन्विंस है वो ले लिया, उसके मतलब ये नहीं है उसको खराब नहीं है, मे बी मैं रॉन्ग कॉन्विंस था तो उस कंपनी को कुछ दिन बाद निकलना पड़ता है लॉस में। करेक्ट सर, उसके बाद फिर से नया लगाना पड़ता है। अभी देखो कोई पोर्टफोलियो, मेरे को पता नहीं मार्केट का कौन सा अच्छा टाइम है कौन सा बुरा टाइम है, पोर्टफोलियो तो कभी भी बनाना चालू कर सकते हो ना आप। यस सर, तो आपको जब भी पैसा है पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, आपको बुरा टाइम आएगा तो उस टाइम, इसलिए तो आपको क्या होता है स्टॉक के ऊपर कॉन्विक्शन का जरूरत है। यस सर, ये जो स्टॉक होल्ड कर रहे हो मेरे को कॉन्विक्शन है इसलिए मैं होल्ड करता हूँ। हाँ, सर, पर जो न्यू कमर्स हैं सर वो तो उतना पेशेंस नहीं रख पाते, 2-3 साल तो बहुत बड़ा टाइम इवेंट हो जाता है। मार्केट में आप लॉस करके एक्सपीरियंस से ही सीखोगे। बिल्कुल सर, देखो क्या है, या तो आप किसी के ऊपर पूरा बिलीव करो, ठीक है। यस सर, कोई एक्सपर्ट को आप पूरा दे दो, उसके ऊपर क्वेश्चन मत उठाओ कुछ, ठीक है। या तो आप लूज कर करके वो एक्सपीरियंस से सीखो, ठीक है। तो कॉन्विक्शन आने में सर टाइम लगता है, मेरे को भी बहुत टाइम लगा सर कॉन्विक्शन आने के, अभी भी मतलब प्रॉब्लम तो होता ही है। देखो जब पोर्टफोलियो ब्लीड करने देखोगे ना तब प्रॉब्लम होगा ही होगा, तब किसी का वो मतलब क्या कहते हैं, किसी का वो ब्रेन सही से काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा जब पोर्टफोलियो ब्लीड करते देखोगे ना सामने, प्रॉब्लम सबको होता है। इसलिए मार्केट में जो मार्केट का डेटा है ना, जीरोधा का जो सीईओ है नितिन कामत जी ने किसी दिन पहले 5-6 महीने पहले एक डेटा दिया था, ऐसा बोला मार्केट में 95% लोग लॉस करते हैं जो जीरोडा का डेटा के हिसाब से, ठीक है। अभी जो 5% है ना उनसे भी 1% लोग से फिक्स डिपोजिट को बीट कर पड़ता है वो 5% का अंदर। तो मतलब आपको कितना हुआ, 1000 में 2 बंदा से फिक्स डिपोजिट को बीट कर पाता है सीएजीआर के हिसाब से। तो मार्केट इतना आसान चीज नहीं है सर। करेक्ट सर, जीए सबसे देखिए। हाँ जीए सबसे, क्योंकि मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ जो मार्केट में आओगे रातों रात, मैं तो सबको बोलता हूँ आप लोग बेटर म्यूचुअल फंड में लगाओ। क्योंकि उधर आप सोचो तो मार्केट अगर इतना आसान होता है कोई भी एक्सपर्ट, तो म्यूचुअल फंड में तो हम लोगों से बड़ा बड़ा एक्सपर्ट बैठे है ना, उन लोग इनफैक्ट मार्केट मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, एक एक के पास इतना ज्यादा फंड है, तब भी उन लोग क्यों 14-15% से ऊपर रिटर्न नहीं दे पाता है सर, इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं सर वो तो। वही मैं बोल रहा हूँ ना, 14-15% के ऊपर क्यों नहीं दे पाते, मार्केट इतना आसान नहीं है सर। क्योंकि जो फंड मैनेजर बैठे है ना उसको भी एक साइकोलॉजी काम करता है ना सर, ये नहीं उसको पता नहीं है ऐसा नहीं है, उसको भी सेम साइकोलॉजी काम करता है हमारा जैसे। करेक्ट, तो आपको उसलिए कोई भी स्टॉक के ऊपर जब भी एंट्री कर रहे हो भयंकर कन्विक्शन होना चाहिए। दादा एक ईस्टर इंडस्ट्री के लिए बारे में कुछ बता सकते हो दादा? किसका? ईस्टर इंडस्ट्री, क्या नाम है समझा नहीं। ईएसटीआर इंडस्ट्री, आपने पोस्ट भी किया था सर वो, क्या आयशर की बात कर रहे हैं सर? आयशर मोटर्स ईस्टर इंडस्ट्री पैकेजिंग कंपनी सर। अच्छा, ईस्टर इंडस्ट्री करेक्ट, क्या स्पेलिंग है एक बार बोलो ना। EASTER ईस्टर, अच्छा ईस्टर, ईस्टर ईस्टर इंडस्ट्री। ईस्टर में प्लास्टिक में काम करता सर, प्लास्टिक में। ईस्टर में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ ईस्टर में।
ठीक है, एक तो बहुत दिन कंसोलिडेट करके निकला, इसमें एक्चुअली एनएससी में पूरा चार्ट नहीं है, बीएससी का चार्ट देखना चाहिए, थोड़ा टाइम ले रहे हैं लेकिन इसमें चलेगा ये कोई बहुत बहुत टाइम से अभी लॉन्गर टाइम पे में देखोगे ना, कोई भी स्टॉक जब चलते है ना वो तो एक महीने में भी दोगुना डबल ट्रिपल हो जाता है, वही तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा ना। लोग क्या करते हैं, जब देखते हैं दूसरा कंपनी चल रहा है ना तब उसमें जाम करते हैं, तब उसका मतलब मूव बंद हो जाता है, ठीक है, और जिसमें था जिसमें से जाम किया उसका मूव चालू होते हैं तब। तो मतलब आपको पेशेंस लेके बैठना ही पड़ेगा, कोई भी कंपनी, जो कंपनी आप देखते हो ना जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब कंपनी वो हमेशा थोड़े रन करते हैं, देखना साल में 8-10 दिन ही सारे रन किया, तो वो मूव मिलने के लिए आपको पेशेंसली बैठना पड़ेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट करने के लिए। तो स्टार क्या है, स्टार में मैंने अभी भूल गया, बहुत ज्यादा इसका एनालिसिस किया था, स्टार में आप आरओसी देखोगे ना इसका पूरा सारे, ये क्या है नया नया बहुत सारे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनाया, मतलब जो इसका कॉम्पिटिटर को कॉन्स्टेंटली बीट कर रहा है, इसका मतलब सेगमेंट में आप देखोगे ना आरओसी इसका बहुत अच्छा है, स्टार इंडस्ट्रीज आरओसी 21% है, एक्चुअली इसका इस साल शायद कम हुआ, नहीं हमेशा से तो पता नहीं, मैं कहाँ पे 25 के आसपास देखा था, जो भी है आरओसी 21 के आसपास पैकेजिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा होता है, और इसका जो मतलब मैंने अटेम्प्ट किया था अभी भूल गया, मतलब इतने जो नया नया इतने सारे प्रोडक्ट मतलब जेनरेट किया वो भी बहुत अच्छा है, इसका साइड में मतलब आपको जाओगे ना एक प्रेजेंटेशन मिलेगा, मैं वो प्रेजेंटेशन में पढ़ा था तो आप पढ़ सकते हो, देखो इस जगह पे प्रेजेंटेशन उसका मतलब अवेलेबल है मैनेजमेंट का पेपर, वो भी एक अच्छा कंपनी का, देखो आधा से 90% कंपनी का ना ये क्वार्टरली प्रेजेंटेशन ही नहीं मिलता है, जो कंपनी अच्छा होता है चाहता है उसका कंपनी का रेट बढ़े शेयर प्राइस बढ़े, वो हमेशा हर क्वार्टर में आपको एक प्रेजेंटेशन जरूर तैयार करके देगा, तो इसने हर क्वार्टर में वो देते हैं, इसका मैंने बहुत डिटेल स्टडी किया था एक टाइम, देखो स्पेशलिटी एक्चुअली वो क्या है स्पेशलिटी पॉलीमर ये सब में ना जो, और इंजीनियरिंग प्लास्टिक ये दोनों में नया उसका मतलब एंट्री है, तो और उसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। मेरे को और भी एक बार डिटेल में देखना पड़ेगा, मैं 5-6 महीने पहले एक बार किया था और मेरे पास इसका क्या फ्री स्टॉक पर आया, तो उसलिए रिसेंट और उतना स्टडी किया नहीं मैंने, जैसे ये देखो स्टार पहले जो था कमोडिटी प्रोडक्ट में काम करता था, अभी स्टार 2.0 जो है वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है, तो ये सब जो चीज है ये स्टार में बहुत थोड़ा डिटेल में मेरे को करना पड़ेगा। देखो रेवेन्यू भी बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, एबिटा भी बढ़ रहा है, तो अब देखोगे मतलब एक हलचल तो नजर आ रहा है, जो एबिटा मार्जिन देखो जो कंपनी 4-5% एबिटा मार्जिन जो कमोडिटी प्रोडक्ट में था, अभी स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आने के बाद उसका 19-20% एबिटा मार्जिन में काम कर रहे हैं, पैट कैसे बढ़ा देखो, तो ये ऐसा ही ब्रेकआउट नहीं दिया उस जगह पे जो ईयर आफ्टर ईयर का जो ब्रेकआउट है, देखो आरओसी 3-4% का आरओसी में काम करता था, देखो इस जगह पे कैसे आरओसी बढ़ रहा है, मैं बोल रहा था ना एक्चुअली उस जगह पे कुछ गलत है, मैं बोला ना 25-26 मैंने देखा था पे, ये है एक्चुअली। देखो डिविडेंड भी वो बढ़ रहा है, तो ये कंपनी हर पैरामीटर पे देखो एक जैसे लग रहा है लास्ट 1-2 साल से कुछ ना कुछ तो हुआ है चेंज ना, वही चीज चार्ट में दिख रहा है। देखो प्रोमोटर ने भी बढ़ाया स्टेक इस जगह से इधर तक, क्योंकि कोई भी चीज ना जो चेंज हो सकता है, देखो एक चीज देखो आप उसका ग्रोथ कब से चालू हुआ, 1920 से ना, अभी देखो इस जगह पे प्रोमोटर को कैसे पता था, देखो उस जगह से ही उसने अचानक से 5% स्टेक बढ़ा लिया, सही है ना, क्योंकि प्रोमोटर को पता है इस तरह का ग्रोथ दिखने वाला, और इस टाइम लॉन्ग वे टू गो, आई बिलीव लॉन्ग वे टू गो, शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे जो भी कर रहे हैं स्टार बहुत दूर जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस लेके वो रहना पड़ेगा, मे बी आई एम रॉन्ग लेकिन आई बिलीव दैट दिस कंपनी हैव ए वेरी लॉन्ग रन। दादा ऐसे भी केमिकल के अंदर ये बॉडल केमिकल भी कैसा है दादा, आपने ये भी पोस्ट किया था अभी, बहुत तो डाउन में है वो,
वोडल केमिकल मैंने क्या था प्योरली वो चार्ट बेस था मेरा वोडल का, मतलब उतना मैंने फंडामेंटल सही में नहीं देखा अभी तक, क्योंकि केमिकल सेगमेंट मेरे को जो लगता है केमिकल सेगमेंट में बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि केमिकल सेगमेंट में बहुत ज्यादा रन ऑलरेडी हो चुका है, तो एक कंसोलिडेशन पीरियड चलेगा उसका। वोडल में मैं इसलिए रहता हूँ, देखो इस जगह पे एक 5-8 सिक्वेंस कम्प्लीट हुआ, देखो इस जगह पे आप अगर 1 देखोगे 2 देखोगे 3 देखोगे मतलब 5 देखोगे तो एक 5-8 सिक्वेंस कम्प्लीट हुआ, मतलब एक बड़ा 1 आपको कम्प्लीट हुआ, सही है ना? हाँ बराबर बात है। तो इस जगह पे एक बड़ा 2 कम्प्लीट हुआ, तो इस जगह पे जैसे ये ब्रेकआउट दिया था इस जगह पे मैंने सबको बोला था, सही है ना? सही है दादा। तो एक्चुअली एक बड़ा 3 चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये अल्टीमेटली मेरे को जो लगता है लॉन्गर रन में 700-800 इवन 1000 भी जाएगा, मैं सरप्राइज नहीं हूँ। प्योरली मेरा चार्ट के हिसाब से, मैं फंडामेंटल इसका उतना देखा नहीं, और इसका वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, देखो जब ऊपर जा रहे हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है, सही है ना? सही है। लेकिन जब नीचे आ रहे हैं वॉल्यूम एकदम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर मतलब सेल नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिटेलर लोग पैनिक में सेल कर रहे हैं उसका, ठीक है। और कुछ सर? हेलो दादा, सर ग्रेविटास गैबिटा बहुत अच्छा कंपनी है, मेरा वीडियो है तो। हाँ वो मैंने वीडियो देख के 198 पे लिया था, उसके बाद वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, और फिर वो जब नीचे आया तो 290 पे ऐड किया था, अभी 300 पे भी ऐड किया है। गैबिटा देखो फिर से ब्रेकआउट दिया इस जगह पे। हाँ गैबिटा अमेजिंग कंपनी है, अमेजिंग आप बोलोगे तब भी कम इस कंपनी के बारे में बोलना होता है। मैंने वो पूरा वीडियो देखा था, वो ऐसी बहुत कम कंपनीज है, एग्जैक्टली मुझे डिटेल्स याद नहीं है अभी। रीसाइक्लिंग, रीसाइक्लिंग देखे थे। हाँ हाँ शायद रीसाइक्लिंग, वो एक्चुअली लेड रीसाइक्लिंग में काम। हाँ लेड रीसाइक्लिंग जो आपको वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट होता है बैटरी का वेस्ट या तो जो भी वेस्ट लेड निकलते है ना, तो वो रीसाइक्लिंग पे काम करता है, ठीक है। जो अभी इसके लिए प्लस पॉइंट क्या है, देखो इसको जो वेस्ट है ना पहले इम्पोर्ट करना पड़ता था, जैसे आप डेवलप कंट्री देखोगे अमेरिका यूरोप जापान, ये लोग बहुत मतलब क्या कहते हैं प्लांट मैनर में वेस्ट को मतलब एक ही जगह पे डिस्पोज करते हैं, वेस्ट को सेल करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे प्लांट्स है उन लोगों के पास, ठीक है। लेकिन इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट का कोई वेस्ट या तो स्कैप मैनेजमेंट का कोई प्लांट नहीं था, तो इसको क्या था धीरे धीरे जैसे देखोगे ना 5 साल पहले भी उसको 80-90% जो है रॉ मटेरियल बाहर से लेना पड़ता था, मतलब जो वेस्ट है। तो अभी क्या इंडिया का जैसे स्कैप का पॉलिसी आया, इंडियन बहुत वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छा बढ़ रहा है, तो इसको क्या है धीरे 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 इंडिया से वेस्ट मिलना चालू हो रहा है, समझा ना? अभी जैसे अभी के दिन में देखो 50% के ऊपर वेस्ट इसको इंडिया से ही मिल जाता है, तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा कोविड के बाद जो हम लोगों को ना रिसाइकिलिंग रिसाइकिलिंग उसके पहले तो हम लोग बोल तो रहा था, लेकिन रिसाइकिलिंग लेके ना उतना मतलब वो नहीं था आदमी अभी, लेकिन मैक्सिमम आदमी रिसाइकिल लेके कॉन्विंस है। तो ये लेट के बाद अभी नया कॉपर रिसाइकिलिंग के ऊपर काम चालू किया है, एल्यूमिनियम रिसाइकिलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये कंपनी तो अमेजिंग कंपनी है। तो और बाकी जो कंपनी, इस कंपनी का ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट ऑफ स्केल ऐसा कुछ है, बाकी जो कंपनी रिसाइकिलिंग पे काम करते ना उसका आप आरओसी देखोगे और इसका आरओसी आसमान जमीन फर्क है, तो ये है इसलिए ये कंपनी के ऊपर मैंने मतलब उतना बुलिश जो भी है मतलब वो था मैंने, तो अभी बुलिश मैं भी रॉन्ग हो सकता हूँ। अभी और नीचे आ सकता है क्या थोड़ा? ये मैंने कैसे बोलूंगा सर, नहीं मैं कोई कंपनी को सर देखो यार मैं तो कोई ज्योतिष हूँ नहीं सर, देखो आरओसी देखो इसका 30% आरओसी है, कैन यू इमेजिन 30% आरओसी है,
दैट ट्रू दादा जी क्योंकि फ्रीक्वेंट भी ऐसा का अच्छा करते हैं दादा जी से भी बहुत नीचे है फ्रीक्वेंट साइंटिफिक हां सीक्वेंस साइंटिफिक अच्छा कंपनी था अभी देखो बहुत नीचे भी सर वो मैं ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूं उसको उसके बाद एक्चुअली इनफैक्ट मैं कितना 130-135 पे लेने के बाद भी नीचे गया लेकिन मैं कॉन्विंसली होल्ड कर रहा हूं और वो उस दिन 7900 का लेवल पे उस दिन लिया भी था थोड़ा और भी सीक्वेंस बहुत अच्छा कंपनी है लेकिन उसका मैनेजमेंट के हिसाब से एक दो साल थोड़ा मार्जिन में प्रेशर रहेगा करेक्ट करेक्ट सर नया सीईओ है जो भी है मतलब उसके हिसाब से थोड़ा बहुत रहेगा उसका प्रेशर दादा विष्णु केमिकल एक मिनट है मैं गैबिटा को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ देखो चार्ट देख के मेरे को नहीं लगता अभी और नीचे आएगा ये क्योंकि देखो इस जगह पे ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है इसने ठीक है और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वो स्टे कर रहा है आराम से तो मेरे को नहीं लगता है ये और नीचे आएगा लेकिन मैं ज्योतिष नहीं हूँ जो गारंटी के साथ बोल नहीं सकता हूँ लेकिन चार्ट देख के मेरे को नहीं लगता है ये नीचे आएगा ठीक है इसका परचेज मेरा परचेज 200 का लेवल के आसपास है मैं अभी ओनली फ्री शेयर होल्ड कर रहा हूँ मैं क्योंकि क्योंकि मेरा देखो ऑलमोस्ट डबल हो गया था मेरा ये बहुत ज्यादा मेरा हमेशा से वो है देखो कोई स्टॉक का मैं कितने भी एनालिसिस कर लूं ये ह्यूमन माइंड सेट है ठीक है मेरे को क्या होता है मेरे को तो प्रॉब्लम होता है मेरे को प्रॉफिट हजम नहीं होता है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है प्रॉफिट ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो मेरे को उसलिए क्या करता हूँ मेरा कोई भी स्टॉक में जब 60-70-80% या तो 100% रिटर्न आता है मैं उसको बुक कर लेता हूँ बुक करके क्या करता हूँ जो प्रॉफिट वाला शेयर है ना उसको मैं रख देता हूँ और उसके लिए मैं सही में बोलूं मेरा ये मेरा साइकोलॉजी है मेरे को बहुत अच्छा सूट करता है उसको लेके मेरे को कभी टेंशन नहीं होता है जो मेरा फ्री शेयर है देखो गैबिटा अभी से जो लॉन्गर टाइम में 3000-4000 नहीं जाएगा कौन बोल सकता है कोई नहीं बोल सकता ना क्योंकि रिसाइकल इज द फ्यूचर बराबर तो मतलब वो तो ऊपर जाएगा तो मेरे को तो बेनिफिट मिलेगा ना अभी देखो जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था इस जगह पे मेरे को ऑलमोस्ट डबल हो गया था तो जितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था उतना अमाउंट तो पड़ा ही है ना मेरा मार्केट में उल्टा मेरे को कॉस्ट ऑफ प्राइस जीरो है मेरा मैं एक्चुअली जीरो कॉस्ट ऑफ प्राइस जब भी मेरे पास रहता है ना मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ ये है मेरा रीजन और कुछ नहीं है चलो और कुछ दादा विष्णु दादा मेरा भी डबल हुआ था इसमें बस मैंने निकाला नहीं था देखो अभी क्या ये जब नीचे आया था ये नीचे आके इसको ब्रेक भी नहीं करेगा कोई नहीं बोल सकते ना जैसे मेरा रामा फॉस्फेट में 120% जब था तब मैंने बुक किया था मेरा फ्री स्टॉक पड़ा है लेकिन अभी तो नीचे भी आ रहा है एक ब्रेकडाउन भी दिया लेकिन ठीक है मेरा फ्री स्टॉक है कोई चिंता नहीं है मेरे को जीरो हो जाएगा तो चलेगा क्योंकि मेरा कॉस्ट ऑफ प्राइस जीरो है मैं तो यही पकड़ के चलता हूँ मेरा एग्जिट का भी एक रूल रहता है जो मैंने एक्चुअली ये जगह वो सही नहीं है जो मतलब डिस्कस करने का जो मेरा क्लास अटेंड किया ऑलरेडी उन लोगों को पता है क्योंकि मैं एंट्री के लिए भी एक मेरा चेकलिस्ट रहता है फुल और एग्जिट के लिए भी एक पूरा चेकलिस्ट रहता है जो मैं क्लास में क्योंकि वो डिस्कस करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा उसका बोलिए विष्णु केमिकल्स ना यस दादा दादा 200 के लेवल से होल्ड है जब आपने कॉल दिया था उसका लेने के लिए अभी तो 1400-1500 के आसपास चल रहा है सुपर प्रिंट दिया उसने अभी क्या लग रहा है दादा होल्ड करना है हाँ प्रॉब्लम ये है हम लोगों को प्रॉफिट हजम नहीं होता है मैं पेशेंस है काफी है अभी उसमें विष्णु केमिकल्स मेरे तो इतना नहीं है हाँ दादा मैंने इस जगह पे कॉल दिया था 200 के आसपास 190 समथिंग दादा देखो क्यों किया था देखो वही कॉन्सेप्ट है ना मैं जो थर्ड वेव का बताता हूँ देखो इस जगह पे एक बड़ा सा वेव 1 कंप्लीट हुआ था उसके बाद वेव 2 इस जगह पे कंप्लीट हुआ था उसके बाद देखो थर्ड वेव कब तक जाएगा कोई नहीं बोल सकता है और अभी मेरा हिसाब से सेलिंग तो नहीं आया सेलिंग सिग्नल नहीं दिया मेरा जो मेथड था उसके हिसाब से सेलिंग नहीं दिखाया इंपैक्ट और भी ऊपर जाएगा इसको होल्ड करना चाहिए ओके दादा थैंक यू तो ठीक है आज कंप्लीट करते हैं 2 घंटा ऑलरेडी हो गया तो और एक दिन बैठेंगे थैंक यू सो मच विदुदा थैंक यू सो मच वेरी रियली अप्रिशिएट विदुदा तो कैसे लगे क्लास
बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। मेरे को अपने ग्रुप पे थोड़ा वो फीडबैक लिख देना कैसे लगा, क्योंकि देखो इसमें मैंने ना किसी से पैसा मांगा ना कुछ मांगा, मेरे को लोग पूछता है तो उससे, लेकिन तब भी 150 लोग बोला था ज्वाइन करेगा, सिर्फ 30-40 आदमी ज्वाइन किया, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। दादा क्वांटिटी पे मत जाओ, क्वालिटी पे जाओ, जिनको सीखना हो तो आएगा ही आएगा, जिनको नहीं सीखना हम उनको पकड़ के नहीं ला सकते दादा। और दादा मैंने ओपीडी में बैठे बैठे पूरा सेशन देखा है। थैंक यू सर। और सिर्फ मैंने नहीं, एक और फ्रेंड भी है जिसको मैंने रेकमेंड किया था, एक्चुअली मेरे भाई है, उन्होंने आपका रूबरू अहमदाबाद में अटेंड किया हुआ था ऑफलाइन सेशन काफी टाइम पहले। उसके बाद उस टाइम जो मेथड था ना, अभी थोड़ा बहुत चेंज किया, क्योंकि उस टाइम मैं भी नया नया था, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ चेंज होता रहता है। हाँ वो तो है। तो ठीक है दादा, तो, दादा ये आपके चैनल पे ये वीडियो अपलोड करोगे? हाँ कर देंगे। ओके ओके। एक्चुअली अभी यूट्यूब चैनल चलाने में भी उतना मन नहीं करता, इतना मेहनत करना पड़ता है, एक वीडियो के ऊपर रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद भी व्यू नहीं आता है। नो सर, आई एम बिग फैन ऑफ यू सर। हम लोग डेली देखते सर आप अपडेट टेलीग्राम में। ठीक है आज क्लोज करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, अचानक से मेरा एक फ्रेंड आया तो अभी उसको मैंने बोला बैठने के लिए, वो जस्ट आया अभी, तो ठीक है उसको भी मेरे को आया है। Okay, sir. Go ahead. No, sir. Happy weekend. Nice weekend. Hello, sir. Thank you, dadah. Take care. Thank you. Thank you. Thank you so much. मैंने बहुत दिन बाद इस महीने में क्लास रख रहा हूँ, ठीक है? किसी को अगर किसी को ज्वाइन करना है तो मेरे को बता देना, ठीक है? तो अगस्त का 2021 पे होगा सर। बराबर दादा, बात मुझे बताते दादा कुछ मैं। ठीक है, जिसको भी करना मेरे को WhatsApp कर देना एक बार। ठीक है। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.